हम लोग कब घर खरीदने वाले हैं यहाँ पे, दैट इज अपडेट, ठीक है, काइंड ऑफ जो जितना तुम तेज भाग रहे हो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। आज इस चीज को रिग्रेट करता हूँ क्योंकि ऊपर नीचे बहुत हुई है, मतलब आपस में लड़ाइयाँ झगड़े, और उसकी वजह से हमारी मेंटल झगड़े हेल्थ भी काफी जो है वो मुतासिर हुई थी। डिप्रेशन था, एक तरह की एंजाइटी थी, और वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट. मतलब ये हमारे लिए एक सोचने का मकाम था. वो लिखते हैं कि वी बॉट अ हाउस, बट वो एक्चुअली उन्होंने बाय नहीं किया होता, वो बैंक ने ही बाय किया हुआ होता है. हाँ, कि $14,000 का हमारे ऊपर लोन था और बैंक ने बोला कि आप कितना पे कर सकते हैं. यू आर डूइंग अ मेजर सिन, आप डायरेक्ट अल्लाह से जंग कर रहे हो. काइब और जो चीज होती है, क्या वो इस्लाम में हलाल है या हराम है, ने मजहब तक को उसमें चेंज कर देते मजहब हैं. तक को जो है वो चेंज कर देते हैं बिल्कुल, यहाँ पे सिटीजनशिप की खातिर। हम बाहर वालों की मजबूरी नहीं है कि मजबूरी हम नहीं, घर खरीदें. इतना ज्यादा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस होता है यार। इंटरेस्ट का जो सिस्टम है ना, वो अनफॉर्चुनेटली आपको अमीर से अमीर तर और गरीब से गरीब तर बनाता है. हिजाब पहन के वीडियोस बनाती हूँ तो मुझे ज्यादा क्रिटिसिज्म आता है, तो क्या यूएई में जो लोग खरीद रहे हैं, क्या वो शरीयत के हिसाब से ठीक है या नहीं? जो कि अब हमारा पूरा सीन प्लान चेंज हो गया है. एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे. मेरा नाम है सना और यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. एक ऐसा टॉपिक जो कि हम तमाम जितने भी लोग बाहर पाकिस्तान से रहते हैं या किसी भी इस्लामिक स्टेट से बाहर रहते हैं, हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज में रहते हैं, हम लोगों के विद इन ना ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा बूम पे है. हर कोई इस बारे में बात कर रहा होता है. जैसे यहाँ पे आता है न्यू कमर्स जितने भी है, वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं इस बारे में बात करने के लिए कि जब उनको घर यहाँ पे खरीदना हो तो उसकी क्या क्या जो है वो उनको चीजें स्टार्ट से लेके एंड तक करनी होती हैं, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं ये सब. लेकिन आज की वीडियो प्रोसेस के बारे में नहीं है, बल्कि आज की वीडियो इस बारे में है कि बीइंग अ मुस्लिम हम लोगों को जो है वो किस तरह से चलना चाहिए इन वेस्टर्न कंट्रीज व्हेन इट कम्स टू बाइंग अ होम. और यही कुछ इरादे हमारे भी थे कि जब हम लोग इस तरह का ख्वाब लेके आए थे कैनेडा 2 साल पहले कि हम लोगों को भी यहाँ पे एक घर खरीदना है. इसलिए क्योंकि भाई घर अगर खरीद लेते हैं तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या होते हैं ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ही ऑब्वियसली. उसके बाद हमारा प्लान जो है वो इस तरह आगे बढ़ा, चेंज हुआ, हमने इसके बारे में रिसर्च की एंड काफी हद तक हम यही सोच के आए थे, हमारे ख्वाब थे कि हम यहाँ घर खरीदें. तो आगे हमारे क्या प्लान्स हैं, हम लोग कब घर खरीदने वाले हैं यहाँ पे, कब हम अपनी छत के नीचे बैठेंगे, ये सब और बहुत कुछ इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में हम आपको ये सारा डिस्कस करेंगे, बताएंगे आपको. एग्जैक्टली सही बात है, जैसे कि सना ने बताई, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट इंट्रो की है, थैंक यू सो मच उसके लिए। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो, अब तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कमेंट लाइक जरूर किया करो, आपके लिए तो फ्री होता है बट हमारी काफी हेल्प और मोटिवेशन हो जाती है। तो एनीवे, आज का जैसे कि सना ने बताया कि टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, घरों से रिलेटेड है। कनाडा में इस वक्त इसकी जो है वो बड़ी ही हाई सर्च होती है, मतलब फर्स्ट होम जो है वो बायर प्रोग्राम, फर्स्ट होम इंसेंटिव प्रोग्राम, हाउ टू बाय अ हाउस और हाउस टूर, हमारी भी आई थिंक अब तक की जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है सेकंड नंबर की होगी, फर्स्ट नंबर की तो नहीं है, वो तो रिग्रेट वाली थी आई थिंक, जो भी थी दूसरी, तो वो जो सेकंड या थर्ड नंबर की जो वीडियो है हमारे चैनल की मोस्ट पॉपुलर वीडियो, वो भी एक हाउस टूर की थी कि मतलब हमारे घर का टूर कैसा है। तो ये कनाडा में बड़ी ही मतलब हाई डिमांड जो है ना, ये वीडियोस होती हैं, हाई डिमांड टॉपिक्स होते हैं, और हम लोगों ने एक टाइम तक तो बहुत कोशिश की कि यार इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना लेकर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो हमारे दिमाग में ये चीज़ें होती थी कि कुछ सही है कुछ नहीं है, क्या है क्या नहीं है। एक ओवरऑल जो है वो माहौल का, एटमोसफेयर का आपके ऊपर प्रेशर होता है, वेल्थ अगर आपके पास नहीं होती दुनिया में तो आप सोसाइटी मतलब एक्सेप्ट जो है ना, सोसाइटी, एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है हाँ, उनके तो वो लिए. ऐसा लगता है कि आप लूजर हैं, आप गेनर नहीं है, आपकी वेल्थ नहीं है, आपके पास बड़े बड़े दो तीन घर नहीं है अगर या उस कनाडा में। सेट टाइम पे जिसपे मैक्सिमम लोग इस सोसाइटी में कुछ चीजें गेन कर लेते हैं, अगर वो गेन आपने नहीं किया है तो मीन्स के यू आर फार बिहाइंड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल एंड अ हाँ लॉट ऑफ पीपल वुड नॉट इवन मीट एग्जैक्टली यू और टॉक टू यू. तो एज अ मुस्लिम हम कहाँ स्टैंड होते हैं, मतलब हमारी क्या पोजिशन है, बिकॉज वेन इट कम्स टू बाइंग अ होम ये प्रोसेस जो होता है पूरा, स्पेशली वेन इट कम्स टू बाइंग अ होम ऑन अ रेंट ऑन अ मॉर्गेज, तो उसमें जो ना मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स में बहुत बड़ा फर्क आता है. एंड एज यू गाइज नो डेट मी एंड अशर वी बोथ बिलोंग्स टू अ मुस्लिम फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह. सो बींग अ मुस्लिम हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है इन तमाम चीजों को लेके, एज एवरी थिंग डिपेंड्स ऑन अल्टीमेटली ऑन वॉट इस्लाम सेज अबाउट समथिंग. ठीक है, कोई भी चीज हो भले जिंदगी में, शुरू से लेके एंड तक हम पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारा इस्लाम इस बारे में क्या कहता है. भले से हम कितने भी गुनाहगार हों, भले से हम छोटे छोटे गुनाह हर रोज जिंदगी में कर रहे होते हैं, बट वेन इट कम्स टू डूइंग बिगर गुनाहस तो ये चीजें हमारे लिए बहुत मैटर करती हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो है वो एक फ्रूटफुल डिस्कशन, जिसमें आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लोगों को सीखने को इंटरेस्टेड, भी हाँ मिलेगा. इंटरेस्टेड भी होंगे और हाँ लोगों को सीखने को भी मिलेगा, और शायद हमारी
अपनी कुछ जिंदगी में गलतियां होंगी, तो आज हम उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्या पता हमारी किसी एक्शन की वजह से, किसी वीडियो की वजह से कोई कुछ लोग ऐसा इन्फ्लुएंस हो गए हो जो मतलब गलत तरीके से हो. तो हमने सोचा कि यार मतलब व्हाई नॉट डिस्कस के हम लोग ऐसी कुछ वीडियोस बना लेते हैं कि जो ज्यादातर ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं और वो चीजें होती हैं, तो वो चीज चल जाती है, उसकी वजह से कोई शायद गुनाह में पड़ जाए. एग्जैक्टली या फिर हमारा कोई इरादा होता है कि हम कोई काम कर ले, जैसे कि घर खरीदना हो यहाँ पे, एंड देन उसके बाद हम कुछ ऐसा रास्ता अख्तियार कर ले कि जो लाखों लोगों तक उसकी वीडियो तो पहुंच जाएगी और सब खुश हो जाएंगे, बट उसके बाद जो लोग हमें देख रहे हैं, हमसे अटैच्ड हैं, हमारे फैंस हैं और हमारी लाइफ को देख के वो खुश होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा डिसीजन अल्लाह ना करे ना ले लें कि जिसमें हम तो गुनहगार हैं ही मगर दूसरे भी गुनहगार हो जाए. तो हम ऐसी चीज ऑब्वियसली नहीं चाहते. तो स्टार्ट करते हैं. अशर जो है वो अपनी कुछ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. आई कैन सी के पहले वो जो है वो अपने पेरेंट्स की आई थिंक बैकग्राउंड डिस्कस करना चाहते हैं. पेरेंट्स तो से पहले मैं कोने से शुरू करती हूँ. कोने से मतलब कि जो चीज अभी जो रिसेंटली हो रही है, बिल्कुल तो वो आई थिंक शुरू करते हैं. फिर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में समझा दूंगा बिल्कुल कि क्या है क्या नहीं है. तो चक्कर ये है कि जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे, ऑस्ट्रेलिया में हम लोग 2012 में गए और 2022 में हम लोग कनाडा आ गए 10 साल में. तो हम लोग बीच में जब 2015-16 में हमारी एक ये होता था कि पीआर हो जाएगी, तो उस टाइम पे हम लोगों ने अच्छी जॉब, मैंने और सना ने दोनों ही अच्छी जॉब्स, टैक्सेबल वाली जॉब्स, परमानेंट जॉब्स जो है वो करनी शुरू कर दी. क्योंकि जब आप मास्टर डिग्री कर रहे होते, उस टाइम पे सना मास्टर शुरू कर रही थी और हमारी टीआर का टाइम शुरू हो गया था 17 की मैं बात करूं. तो हमने अच्छी जॉब्स करते थे, सना को भी अच्छी जॉब मिल गई थी, फुल टाइम जॉब थी, परमानेंट जॉब थी, टैक्सेबल जॉब थी, मेरी फुल टाइम जॉब थी, परमानेंट जॉब थी, टैक्सेबल जॉब थी. तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे कनाडा के अंदर आरआरएसपी की जो एक टर्म होती है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सुपर इनोवेशन की एक टर्म होती है, उसमें क्या होता है कि आप जो है वो अपना जो फर्स्ट होम बायर आपका इंसेंटिव होता है, तो आप जो अपना सुपर का अमाउंट होता है जो आरआरएसपी का होता है डिपॉजिट, तो आप उससे अपना फर्स्ट होम बायर खुलवा के अकाउंट, और वो आप अपने फर्स्ट होम की तरफ जो उसकी डाउन पेमेंट होती है तो आप वो दे सकते हैं, और जो भी आपकी सेविंग होती है तो वो भी आपकी जो है वो उसमें चली जाती है. तो वो आपके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट होता है. तो ये एक बहुत, मैंने कहा आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड समझा दूं जहां ऑस्ट्रेलिया से मैं आया हूं. तो बहुत सारे लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में यही किया हुआ है सबने. तो मेरा भी यही ख्वाब था, मैंने और सना यही डिस्कस करते थे कि यार हमारी पीआर हो जाए, सबसे पहला काम हमने यही करना है. हमारी बिल्कुल क्रेडिट हिस्ट्री बेहतरीन थी, लिटरली मेरे पास कोई एक क्रेडिट कार्ड था शायद, और वो मैं यूज ही नहीं करता था. यकीन मानो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई जरूरत ही नहीं थी. एक टाइम पे मैंने लिया था, मगर फिर मैंने बंद कर दिया था. तो मगर मुझे जरूरत ही नहीं थी उस चीज की, बिल्कुल और काफी टाइम तक जरूरत नहीं थी. इसलिए क्योंकि हम लोगों ने जितना एक चीज का इरादा कर लिया था 2015-16 की ही बात है, कि हम लोगों के ऊपर जितना पिछले टाइम का कर्जा चढ़ा था ऑस्ट्रेलिया में, हम लोगों ने ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड जब स्टार्ट किए लेने बहुत कर्जा हो जाता है उसका, तो हम मैंने और शर ने मिलकर कमा के ना एक साल के अंदर वो सारा कर्जा, ऑलमोस्ट $13,000-14,000 का कर्जा था, वो सब क्रेडिट कार्ड का चुका दिया था. एंड वन जीरो गो में, क्रेडिट वन कार्ड गो में, आप यकीन बिल्कुल मानो, वन गो वन में. गो में हाँ बैंक की भी जो है ना वो हाँ मतलब पॉम्प उन्होंने, हाँ, कि $14,000 का हमारे ऊपर लोन था हाँ और बैंक ने बोला कि आप कितना पे कर सकते हैं. हमने कहा हमारे पास इस वक्त जो है वो मैक्सिमम 9 या 10 हजार डॉलर है, अगर आप लोग को जो है वो करना है नेगोशिएशन तो कर लें. तो दे लिटरली वर ओके विद दैट, और उन्होंने कहा कि ठीक है आप जो है वो गो अहेड कर लो, आप एक साथ पेमेंट कर लो. तो फिर हम इतना आपका माफ कर लेते हैं, $3,000-4,000 उन्होंने माफ कर दिया था. एंड दैट्स हाउ वी फिनिश्ड ऑफ आवर लोन्स. एंड उस वक्त हमारी जिंदगी में ना बरकत आनी शुरू हो गई थी. क्यों? वाकई में मैं मतलब अगर इनकम में इतनी बहुत बरकत हुई बरकत थी आ गई. माशाल्लाह उसके बाद से, कि हम लोग अपनी जो कमाई करते थे मैं और अशर हम दोनों मिलकर, उसी में तमाम घर के खर्चे ही नहीं बल्कि हर किस्म के जो ना और एक्स्ट्रा के खर्चे, मैं उसके बीच में कुछ अगर इंग्लिश टेस्ट वगैरह कर रही होती थी, कहीं जा रहे हैं आ रहे, दावतें कर रहे, एक्स्ट्रा के जो खर्चे होते हैं ना, तो वो सब अल्हम्दुलिल्लाह उन हमारी इनकम से खाली निकलते थे. कभी क्रेडिट कार्ड लेने की और जरूरत ही नहीं एक्स्ट्रा पड़ी. खर्चों की बात अगर मैं करूं, तो अगर कनाडा के अंदर जैसे बहुत सारे खर्चे, जैसे आपके अगर आप स्कूल की फीसें होती हैं तो आप विजिटर वीजे वाले भी उनको ज्यादा खर्चा नहीं होता, मगर ऑस्ट्रेलिया में इस तरह वर्क नहीं करता. वहां पे जितने भी टेम्पररी माइग्रेंट्स होते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स जो हम जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, तो उनके बच्चों की फीस होती है, जो वहां पे वर्क परमिट वाले होते हैं उनके भी बच्चों की फीस होती है. सिर्फ पीआर वालों के जो बच्चे होते हैं उनकी पब्लिक स्कूल में अगर वो जाते हैं तो कोई फीस नहीं होती, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तब भी फीस होती है, बट नॉमिनल होती है. बट हमारी फीस हाँ लगती थी, हमारे बच्चों की फीस लगती थी, क्योंकि हम दायरे वहां के परमिनेंट हाँ नहीं थे. बहरहाल डिस्कशन को जब हम आगे बढ़ाएं, तो होते होते फिर क्या हुआ, हम लोगों ने फिर स्टार्ट की ये प्लानिंग की, ठीक है अब हम लोग चूंकि पीआर परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जो है वो माइल होने वाले हैं, जाने वाले, तो हम लोगों ने ना इस बारे में रिसर्च करनी शुरू कर दी. व्हेन वी वर इन ऑस्ट्रेलिया हम लोगों ने सोचा कि यार ठीक है, जैसे ही हम लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी अलॉट होगी ना, हम लोग कोई ना कोई यहाँ पे घर खरीद लेंगे. ये हमारे ख्वाब तब से था जब से हम 2015 या 16 में हाँ वहां पे जो है वो परमानेंट होने की एक ख्वाब देखते थे. फिर एग्जैक्टली उसके बाद फिर ये हुआ कि वो टाइम गुजरता रहा गुजरता रहा गुजरता रहा, और फिर वो कभी नौबत आई नहीं. लिटरली मैंने और सना ने जो बीसी होती है, जो कमेटी जिसको अगर कहा जाता है, पाकिस्तानी जो होंगे वो समझ सकते होंगे, इंडियन भी समझ सकते होंगे जो डालते होंगे, बीसी या कमेटी जो भी होता है. तो हमने ऑस्ट्रेलिया में अपने एक रिश्तेदार होते हैं, तो उनके हर उसमें समझ लो $1,000 से $1,500 पर मंथ के ऊपर ये ऑन टॉप
टॉप ऑफ जो खर्चा है ये मैं उसमें बता रहा हूँ आपको, एवरी मंथ $1500 हम लोग कमेटी दिया करते थे और वो तकरीबन 21,000 से $22,000 की कमेटी होती थी, तकरीबन 20 महीने की कमेटी होती थी। और हमने वो दो दफ़ा जो है वो हमने हमें कमेटी मिली उनकी तरफ से, मतलब बेहतरीन उनका सिस्टम होता था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, बट वो हमें मिली और हमने सोचा कि यार हमें इतना हमारे पास जो है ना सुपर एनोवेशन फंड है जो भी आप उसको समझ लो, तो वो फंड था हमारे पास और $20,000-$25,000 हमारे पास ही होंगे, तो $40,000-$50,000 हमारे पास कैश हो जाएगा, हम आराम से अपना जो है ना घर लेने के लिए इस काबिल हो जाएंगे। बट वो कभी नौबत ही नहीं आई क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हम लोग काफी टाइम तक टेम्प्रेरी रहे, तो वो अनफॉर्चुनेटली सारे पैसे जो है ना हमारे वीजा जो रिन्यूअल की फीस होती थी उसमें चले जाते थे, जो कॉलेज की फीसें होती थी सना की उसमें चले जाते थे, रेंट वेंट तो हम लोग कर ही रहे थे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली बिकॉज परमानेंट रेजिडेंट नहीं बने थे तो हम एलिजिबल भी नहीं हो रहे थे, क्योंकि वहां सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट ही उस टाइम पे आई गेस के इन्वेस्टमेंट कर सकते थे या फिर फर्स्ट होम बायर पे जो इंसेंटिव्स मिलते हैं इन मुल्कों में, कनाडा में भी मिलते हैं यही कि जैसे आपको 5% डाउन पेमेंट बहुत कम मतलब पैसों में, जैसे अगर 5 लाख का करें तो 25,000 पे करें एंड आपको घर मिल सकता है, तो ये सब मतलब आसानियां गवर्नमेंट भी आपको रिबेट दे देती थी। तो वो ऑस्ट्रेलिया में भी सेम चीज, अगर हमें इंसेंटिव लेनी वरना तो बहुत ज्यादा महंगा पड़े घर लेना, तो कोई भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकता अगर वो मॉर्गेज पे लेना चाहते हैं। मूव फास्ट फॉरवर्ड अगर हम करें तो फिर तो उसके बाद फिर ये हुआ कि जो जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कनाडा में आने के हमारे 4 से 5 रीजन बड़े बड़े रीजन थे, उसमें से एक टॉप रीजन यही था कि यार हमने सोचा कि तकरीबन 5 साल हम लोग ऑस्ट्रेलिया में रेंट पे रहे, उससे पहले मैं अपने भाई बहन के साथ रहा करता था तो वो हमें शेयरिंग होती थी, मतलब रेंट में उसमें भी देता था, बट मैं अगर उसको छोड़ दूं चलो मोटा मोटा हिसाब करूं सिर्फ 5 साल का, तो 5 साल में हमने हर साल ऑलमोस्ट हमारा जो घर का किराया था वो तकरीबन $2,000 से $2,100 पर मंथ था, तो $25,000 सिर्फ किराया बनता है 1 साल का, तो अगर 5 साल का मोटा मोटा लगा लो तो $1,25,000 हमने ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 5 साल में रेंट दिया। तो हमने ये सोचा कि यार अगर हमने 5 साल में 1,25,000 दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, कुछ नहीं हुई है, कोई डेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो अगर हम यही जो है वो टाइम पे हम अपना घर लेते उस टाइम पे जो कि $4-5 लाख का सिडनी में आराम से मिल जाता था, अगर 2017-18-19 की बात करूं 5 लाख में थोड़ा सिडनी से जो है वो बाहर की तरफ जो होती थी इलाके वहां पर मिल जाता था, इतना मुश्किल नहीं था, काफी लोगों ने लिया, दोस्तों ने लिया, हमारी फैमिली में भी लिया, तो हमने सोचा कि अगर हम ये ले लेते तो हमारी कितनी वेल्थ होती, क्या होता क्या नहीं होता। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अगर रेंट पे, बहुत से लोग जैसे यही सोचते हैं कि रेंट पे दे रहे हैं तो यार हवा में जा रहे हैं पैसे, तो इससे बेहतर अगर हम यही पैसे मॉर्गेज में पे कर देते, जैसे कि $2,000 अगर आपका महीने का रेंट है राइट, तो अगर आप $2,100 या $2,200 भी मॉर्गेज में पे कर रहे हैं तो लोग कहते हैं इट विल बी स्टिल वर्थ इट, क्योंकि ओवर द टाइम हम एटलीस्ट उसका एसेट तो बना रहे हैं, उसकी इक्विटी तो बना रहे हैं, इक्विटी बढ़ भी जाती है जैसे कि अगर वैल्यू बढ़ रही है तो उसके साथ जो है वो कुछ सालों में आपको मतलब आसानी हो जाती है, आपके मकान की वैल्यू बढ़ती है, आप अगर सेल करोगे दोबारा तो आपको ज्यादा पैसे मिल सकते हैं राइट। एग्जैक्टली, तो हम लोग भी जब 2022 में आए तो मेरा और सना का यही था कि यार कनाडा जब आए तो अक्टूबर 2022 हम लोगों को ये मौका मिला जबकि जो है वो कनाडा की पीआर हमारी अलॉट हुई, तो हमें एक मतलब उम्मीद नजर आई कि यार ठीक है अब हम शायद अपना घर खरीद सकते हैं क्योंकि वी आर फाइनली एलिजिबल टू बिकम अ होम ओनर राइट, जिससे हमारा काफी अरसे से ख्वाब था और ये ख्वाब हमारा हमें कनाडा में आने के बाद पूरा करने की जो ना एक पूरा एक रास्ता नजर आ गया था, तो वी वर वेरी हैप्पी। मगर ये कि टोरंटो में हमने जब मतलब हमने यहाँ लैंड किया टोरंटो में, ओंटारियो में, जीटीए कहूंगा, मिल्टन कहूंगा, तो वहां पे गेम ये था कि मतलब चारों तरफ जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, हर जगह सिर्फ यही कंटेंट होता था, घर कैसे खरीद सकते हैं, घर कैसे खरीद सकते हैं, कहाँ घर खरीदना चाहिए, कैलगरी में लो, कैलगरी मतलब मोस्ट पॉपुलर जो कनाडा की अगर आप वीडियो उठा के देख लो तो मिलियंस ऑफ व्यूज उसी में आए हुए कि अपना घर कैसे खरीद सकते हैं या फिर कहां खरीदना है। बात नहीं है बल्कि इवन जो जैसे ऑस्ट्रेलिया में ही हम थे तो हम देखते थे कि हर वक्त ना लोग एक साल के अंदर घर खरीद रहे हैं कनाडा के, विद इन टू ईयर्स। ऑस्ट्रेलिया में हमने ऐसा नहीं देखा, ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं आपको बात करूं तो 5-5, 6-6 साल भी हो गए अभी भी हमारे दोस्तों को, हम लोग रिसेंटली होकर आए तो अभी भी वो काफी डगमगाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मतलब नॉर्मली नॉर्म अगर मैं कहूं रिवाज नहीं है न्यू इमिग्रेंट्स का, बहुत जल्दी खरीदेगा, लेकिन कनाडा में हमने देखा कि जो ना कितने सारे लोग जो न्यू कमर्स आए 1-2 साल के अंदर अंदर उन्होंने घर खरीद लिए, होम ओनर्स बन गए एंड बड़ी बड़ी जो है वो हेडलाइंस, हमारे जो फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनकी बड़ी बड़ी हेडलाइंस लिखी हुई हैं, वी बॉट अ हाउस इन कनाडा विद इन 1 ईयर। और वो चीज ना कहीं आपको, क्योंकि कहते हैं ना वो जो दुनिया की एक लज्जत होती है, एक शान लगती है ना, एक शाइन होती है, जैसे आपको आप शायद अंडरस्टैंड कर सकते होंगे जो लोग इस चीज से गुजरे होंगे कि वो आपको कहीं ना कहीं खींचती है। ठीक है, दुनिया में जो अच्छी चीजें आपको अगर जो अच्छे होंगे अल्लाह ताला जिन चीजों से जो खुश होता है वो चीजें हमें थोड़ी कम अट्रैक्ट करती हैं कम्पेयर टू दोज जो कि हमें गुनाह की तरफ लेके जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें उस वक्त तो नहीं पता था कि ये गुनाह है या जो भी है इस तरह से मॉर्गेज पे घर खरीदना या किस तरीके से, हमें बहुत सारी पता था, लेकिन हमें सब कुछ पता होता है मगर हम बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर जाते हैं।
शायद अभी भी बहुत सारे लोग हम पे पॉइंट आउट करेंगे कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये क्यों है, बट अभी भी हम लोग बहुत ऐसे प्रोसेस के अंदर है, मैं बता दूं आपको, जो बहुत डेलिकेट कि है, बहुत डेलिकेट है और बहुत ऐसी चीजें होंगी कि शायद हम लोग अभी जिंदगी में गलत करते होंगे, बट हम लोग ने स्टार्ट कर दिया, क्या पता आगे चल के हम लोग बेहतर मुसलमान बन जाए इंशाल्लाह। बाकी तो यार देखिए, गलती तो हर मुसलमान से छोटी मोटी होती है, कोई कभी परफेक्ट नहीं बन सकता। लेकिन बहरहाल बैक टू पॉइंट, अगर हम आए तो जब हम कनाडा आए, यहाँ पे आके हम लोगों ने अगेन सबको जब देखा ये करते हुए, तो हमारे दिमाग में ये बात आई कि यार हम लोगों को जो है वो हम लोग भी कर सकते हैं। मतलब इतने जब सारे लोग थोड़ी बहुत जॉब्स, मतलब थोड़े उनके 70-80,000 पर एनम थोड़े बहुत कमाते हैं, दो मियाँ बीवी काम करते हैं एंड देन दे आर एलिजिबल टू बाय अ होम और इट्स दैट इजी। मतलब आज आए और कल घर खरीद लिया, इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो फिर हमारे दिमाग में जो है वो इस तरह की बातें आनी शुरू हुई कि ओके लेट्स स्टार्ट प्लानिंग फॉर दैट। एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पे घर खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, एज लॉन्ग एज आपके पास क्रेडिट स्कोर अच्छा हो, आपकी इनकम हो, दूसरी चीज, और तीसरी चीज कि आपके पास डाउन पेमेंट जमा हुई हुई हो, तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी मॉर्गेज पे घर लेने के लिए। कैश पे तो आपको पता है कि आप जाएं कहीं पे भी और जाके कैश पे करें और जाके इजी बीजी घर खरीद लें। सो ये गेम होता है यहाँ पे, हम लोग भी सबसे इसी चक्कर में हम लोग पड़ गए। एग्जैक्टली, तो 5.5 लाख, 6 लाख, 7 लाख के ऑन एवरेज जो घर उस टाइम पे मिला करते थे जब हम ऑस्ट्रेलिया में थे। बाद में बढ़ते बढ़ते जब हम टोरंटो नहीं आए थे, लाइक पहले से जब हम रिसर्च करना शुरू की थी कि हमारी पीआर, हाँ कि हमारी पीआर अलॉट हो गई। एग्जैक्टली, हाँ, लेकिन टोरंटो की बात करें अगर हम या उसके अराउंड जैसे किचनर वगैरह, जैसे अगर थोड़ा आउट ऑफ मगर ऑन्टेरियो के अंदर ही, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा प्रोविंस है कनाडा का, परफेक्ट लिविंग। बाकी ये है कि अगर कैलगरी की बात करें तो यहाँ पे 3.5-4 लाख के आई गेस उस जमाने में अच्छे बड़े घर, अच्छे जो फैमिली होम्स होते हैं वो। अच्छा, हम मेरा और अशर का ये कॉन्सेप्ट था घर खरीदने का कि यार ठीक है, एक तो रेंट का भी है कि आप हवा में, दूसरी बात ये है कि अशर के भाई ऑस्ट्रेलिया में जो होते थे उन्होंने भी माशाल्लाह से अपना घर खरीदा था, एंड वो भी एक इंसान के ऊपर ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, एक वो लोग भी जिनको आप सोशल मीडिया पे देख रहे होते हो बार बार आपके, लेकिन एक वो भी लोग होते हैं जो आपके अराउंड होते हैं और आप उनको देखते हो क्या ये लोग ऐसे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ऐसे करना चाहिए क्योंकि हर कोई अपनी के बारे में सोचता है। तो ये भी एक हमारा था सीन, और इसी के साथ फिर हम लोगों ने फाइनली फिर ये डिसाइड किया कि नहीं यार, हम लोग तो घर डेफिनेटली खरीदेंगे। एग्जैक्टली, तो मगर उसके बीच में क्या हुआ कि मैंने नियत की हुई थी कि अगर मेरी जब भी पीआर हो जाएगी तो सबसे पहला काम मैं यही करूंगा कनाडा की या ऑस्ट्रेलिया की, कि मैं उमरा करने जाऊंगा, जो कि मेरी गलत थी चीज, वो मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था, तो शायद ये चीजें डिले नहीं करना चाहिए था। मेरे पास पैसे थे ऑस्ट्रेलिया में, आपको पता है $1,500-2,000 पर वीक कमाना, पर वीक बता रहा हूं, मंथ नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं है। जो लोग सिक्योरिटी कर रहे हैं, ऊबर कर रहे हैं, अच्छी जॉबें कर रहे हैं, नॉर्मल जॉबें भी कर रहे हैं, उसमें भी आपको इतने पैसे $4,000-6,000 से ज्यादा आप महीने में कमा ही लेते हैं, टैक्स वैक्स हटा के तो आपको इतने थोड़े बहुत मिल ही जाते हैं। तो खैर, एनीवे, बात यह कि अब जो गलतियां हो गई वो इंसान कोशिश करे कि आगे ना करे। तो मैंने बहुत देर की, मगर ये कि मैंने जब 2022 में मेरी पीआर हुई तो यहां पे मैंने आके सोच लिया था कि मुझे सबसे पहला काम यही करना है, दुनिया में कुछ नहीं करना। हमारा जो 2023 का रेजोल्यूशन था, अगर आप वो जाके वीडियो उठा के चेक करोगे तो मेरा वही रेजोल्यूशन था 2022 के एंड में कि मुझे उमरा करना है। मुझे कुछ नहीं दिखता था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, घर खरीद लूं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी इतने पैसे थे, $40,000-50,000 से भी ज्यादा थे। अब मैं आपको हर चीज तो नहीं बता सकता कि कितने होते कि एग्जैक्ट फिगर, तो कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में कितने कमाए, क्या था क्या नहीं था। लोग समझते हैं कि कट गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं था, अल्लाह ने बहुत दिया और सारा कैश की वो कैश वो था। एक और भी मुझे वाकया याद आ रहा है आपकी इसी बात को, मैं थोड़ा टोक रही हूँ लेकिन आई थिंक बहुत सारे लोग रिलेट कर सकते होंगे इस चीज से। देखिए, हमारी जिंदगी में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको सही गाइड भी करते हैं, ठीक है। तो हमारी भी लाइफ में एक वो गाइडेंस आई। कभी कभी ऐसा होता है इंसान बहुत गलत किसी चीज की तरफ जा रहा होता है, और एक टाइम आया था कि टोरंटो में मूव होने के बाद बिल्कुल 2 महीने तक ये पक्के कि यार हमें तो घर खरीदना है और हमने इसकी डाउन पेमेंट जो है वो जमा करनी है, और अगर मतलब अगर है हमारे पास तो फिर किस तरह हम मतलब अपने आप को एलिजिबल बना सकते हैं, इनकम स्टार्ट करनी है, ये सब चीजें। मतलब हम फुल स्विंग में थे उस टाइम पे कि बस एक साल के अंदर अंदर वी हैव टू बाय दैट, राइट। और उसी के दरमियान ऐसा कुछ हुआ कि अशर के एक दोस्त की एक दिन कॉल आई और उन्होंने जो है वो हमसे जब भी डिस्कशन कर रहे थे, अशर ने बोला यार मैं ना एक साल के अंदर अंदर घर खरीदना चाहता हूँ ये वो, और बहुत टाइम इंतजार कर लिया। तो अशर के दोस्त ने क्या एडवाइस की? उन्होंने ये बोला कि यार मतलब इतना तेज मत भागो, वो कनाडा में ही रहते हैं, वो कनाडा में रहते हैं, एडमंटन के अंदर रहते हैं। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि यार जितना तुम तेज भाग रहे हो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो तुम थोड़ा अपने आप को ना स्लो डाउन कर लो। जितनी तुम तेजी में आए हो कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, तुम्हारे पास पैसे होंगे बेशक, सब कुछ होगा, तुम्हारे पास अब स्टेटस होगी, फाइनेंस होगा, रिसोर्सेज होंगी, सब कुछ होगा, मगर थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा लगाम दो चीजों को, और जो है ना इतना तेज मत भागो इस चीज के लिए। बाकी तुम अपने जो है ना जो भी चीजें करनी है अपने जो है वो तेजी में कर लो, मगर जहां पे घर खरीदने की बात आ रही है तो थोड़ा सा अपने आप को हल्के हल्के लेके चलो, क्योंकि ये एक
अपने हिसाब से इसको लेके चलो, मतलब जरूरी नहीं कि और बर्डन मत लो इस चीज का अभी कि हाँ, तुम्हें घर लेना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, हाँ कौन से शहर में आ जाऊं मैं, वहां आ जाऊं मैं, यहाँ आ जाऊं, तो बिल्कुल। अभी मतलब इस चीज की जल्दबाजी मत करो। अभी तुम कनाडा में बहुत नए हो, अभी यहाँ का सिस्टम समझो, यहाँ की चीजें समझो, और उसके बाद फिर तुम जो है वो देखना है कि जो भी तुम्हें समझ में आए तो फिर तुम उस शहर में उस जगह पे जो तुम्हारी रेंज हो उस लिहाज से घर खरीदने की दौड़ में जाना। और चूंकि वो एडमिंटन में रहते थे तो हम लोगों को ये बात अच्छे से पता थी कि हम लोग बाय दैट टाइम टोरंटो में तो घर, ऑनटेरियो में घर खरीदने के काबिल नहीं बचे थे, बिकॉज 1 मिलियन के घर थे, तो इतना बड़ा खर्चा तो हम वैसे भी ना लेते अपने ऊपर। बट ये है कि उन्होंने कहा कि एडमिंटन में जो है वो सस्ते घर जरूर है, बट एडमिंटन एक अलग शहर है, उसका क्या माहौल है, उसकी क्या लाइफ है, ये भी इवन हमें कोई आइडिया नहीं था, और हम कभी स्मॉल सिटीज में रहे नहीं थे, तो ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा फैक्टर था। तो उन्होंने कहा कि यार देखो, अपने आप को एक टाइम दो कि एक पहले कनाडा को समझ जाओ, अपनी इनकम जो है वो प्रॉपर बना लो, स्टेबल हो जाओ, एंड देन यू शुड स्टार्ट डूइंग दैट। एंड देन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि फिर हम लोगों ने, जैसे ही हमें मौका मिला कि हम लोग टिकट्स वगैरह देखने लगे, तो उम्रे के टिकट्स भी सस्ते आने लगे। अल्लाह का ऐसा करना होता है, बस जब अल्लाह राह निकालता है ना तो ऐसा ही होता है बस। ठीक है, सब लोग आई थिंक रिलेट कर सकते होंगे इस बात से। अल्लाह ताला जो है वो आपके लिए भी कोई ना कोई राह ही निकालता है, और जब बुलावा आता है खुदा के घर से तो आपके लिए सब रास्ते बन जाते हैं, राइट। तो उम्रे करने का हमारा जो है वो ये रास्ता बना कि सस्ते टिकट्स आए, हमने अचानक से फिर वॉशन, आई थिंक काफी टाइम से रिसर्च तो कर ही रहे थे जैसे काफी मिले टाइम तो। से मैं रिसर्च कर रहा था इस बारे में, और मैंने सोचा हुआ था कि 12-13 साल हो गए हाँ मुझे पाकिस्तान में, मैंने ईद नहीं मनाई है, तो हाँ चलो मैं फिर पाकिस्तान में ईद भी मना लूंगा। बकरीद की बात है, मतलब ईद तो मैंने टोरंटो के अंदर ही मनाई थी जीटीए में, बट मैंने सोचा कि चलो बकरीद मना लूंगा तो छोटी उससे, हाँ हाँ तो उसमें ही होगा, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो उमरा बंद हो जाता है। जब आपको पता है, अब जैसे ईद का सीजन अभी खत्म होगा तो उमरा बंद हो जाएगा फौरन ही, और उसके बाद फिर हज का सीजन शुरू हो जाएगा, तो वही सेम टाइम आ गया था। और वो टाइम इसलिए हो गया था क्योंकि सना प्रेग्नेंट थी, अली के होने का टाइम था, अप्रैल में लास्ट ईयर अली पैदा हुआ था, तो मैं सना को छोड़ के उस टाइम पे जाना नहीं चाहता था क्योंकि मेरी फुल नियत थी कि मैं निकल जाऊंगा। तो पैसे भी थे, सब कुछ था, मैंने जैसे बताया आपको, मगर जो है वो क्योंकि अकेला छोड़ के, बर्फ का टाइम था, कौन बर्फ उठाता यहाँ पे, जैसे ये वाला हमारा घर है तो यहाँ पे हमें बर्फ उठाने की टेंशन नहीं होती, बट वहां जो हमारी बेसमेंट थी जो मिल्टन में थी, हमें वहां से बर्फ भी उठानी पड़ती थी, बच्चों को स्कूल लेके जाना है, स्कूल लेके आना है, काफी चीजें होती थी। तो ये तो पॉसिबल नहीं था कि हाँ अशर अकेले ही उमरे के लिए निकल जाएं, और हाँ हम लोग मतलब मैं और बच्चे बिगलू नए शहर में जहां पे हमें बहुत सारी चीजों का कोई आइडिया नहीं, हमारी हाँ तो खाली मुल्ला की दौड़ मस्जिद 9 फ्रेल्स तक होती थी, हाँ तो वही हमारी वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो एग्जैक्टली ये 2-3 हफ्ते अगर जाते तो मुश्किल हो जाता। तो फिर डिसाइड यही किया कि यार जैसे ही टिकट थोड़े सस्ते आते हैं उनको खरीद के, और फिर पाकिस्तान में हम सब इकट्ठे ईद भी मना लेंगे और हाँ उमरा भी इकट्ठे ही कर लेंगे, जबकि हमें पता था कि तब तक बाय दैट टाइम अली अगर हो चुका होगा तो बहुत छोटा होगा, बट ये है कि उसकी हमें फिक्र नहीं थी, हमें बस ये फिक्र थी कि हम किसी तरह अल्लाह का घर देख लें। एग्जैक्टली तो बस हमने ईद मनाई पाकिस्तान में, पाकिस्तान से हमने सऊदी अरब का मतलब दुबई गए, दुबई से हम लोग सऊदी अरब चले गए, सऊदी अरब में हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है उमरा किया, और अपनी जिंदगी में किया, सेहत के साथ किया, जवानी में किया, और हम पांचों ने किया। ऐसा नहीं था, हम लोग जून के महीने में, जुलाई के महीने में लिटरली गए थे, जुलाई के एंड में गए थे, शदीद गर्मी का टाइम होता है, बदतरीन टाइम होता है वो मिडल ईस्ट में, 49 से लेके 50 डिग्री तक हमने जो है वो उस टाइम पे मदीना और मक्का के अंदर सहा है, और हम लोग मगर डटे रहे उस चीज के ऊपर। काफी लोग कहते थे कि इस टाइम पे मत हाँ जाओ, उस टाइम पे अच्छा, मत काफी जाओ। लोग, ये भी हमें कुछ ऐसे लोग मिले जो कहते थे कि ऐसा करो कि डायरेक्ट हज ही कर लो, मतलब हाँ उम्रे की अभी क्या अभी जरूरत अभी है, तो तुम लोग अभी तुम यंग लोग हो, यंग हो, थोड़े से और पैसे जमा कर लो, हाँ टाइम भी है तुम लोग के पास, हज कर लो। और कोशिश करो कि यहाँ तो पे घर बनाने की मतलब पहले हाँ, वो पैसे सेव करके पहले कुछ कर ऐसे भी लो। लोग मिलते थे जो हाँ लिटरली रोकते थे, और आप लोग को भी हाँ क्या पता ऐसे लोग कभी मिले हो जो इस तरह की एडवाइस देते हो, मत तो सुनना। मत सुनना, जैसे वो सनम जंग का आजकल डायलॉग मशहूर है ना, मत सुनना मत करना, तो मत सुनना हाँ भाई। जो उम्रे की सआदत है ना उसकी एक बात ही अलग होती है, हज तो फिर एक बहुत बड़ा खर्चा होता है और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो एग्जैक्टली कि अल्लाह ताला का जो बुलावा आता है तो लोग करते ही हैं जाहिर है, लेकिन हमारा अभी बुलावा नहीं था क्योंकि हमारे पास इतना जाहिर है कि पैसा नहीं था उस वक्त कि हम हज करते, तो हमने कहा जो हम अभी कर सकते हैं अल्लाह का घर वो तो हम देख ही लेना। सही बात है। तो बस फिर हमने यही सोचा कि यार उमरा करते हैं, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह फिर देखेंगे कि आगे क्या रहता है क्या नहीं रहता। फिर हमने उमरा किया, और अल्लाह ताला से जो है वो हर नमाज में, मक्का में हम लोग तकरीबन 11-12 दिन रहे, 7 दिन हम लोग मदीना में रहे, हर हर नमाजों में जो है ना अल्लाह से यही मांगा, सबके लिए दुआएं भी मांगी, अपने बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों लेकिन के जो लिए, दोस्तों मेन के लिए। चीज हमने मांगी वो क्या मांगी, मुझे मुझे याद है अच्छे से कि मैंने क्या मांगी। जब मैं सऊदी अरब में मक्का में मैं पहुंची, तो हमने एहराम ऑलरेडी पहना हुआ था माशाल्लाह से, और तमाम बच्चों के साथ जब हम होटल से बाहर निकले और हमारे कदम जब मस्जिद हराम की तरफ पहुंचने लगे, तो बस मैंने जो है वो, मेरे तो एक तो दिल धड़क रहा था, और जैसे ही मैंने अंदर पहुंचने के बाद पहली दफा खाने काबा पे, वो ग्राउंड फ्लोर था और सामने बिल्कुल खाने काबा नजर आता है, जिसने भी उमरा किया हुआ है उनको ये फीलिंग होगी पता, और जिसने नहीं किया हुआ तो शायद वो फील कर सकते हो,
हम लोग जैसे ही पहुंचे सामने खाने काबा एक ब्लैक कलर की यू नो बिल्डिंग जैसी वो नजर आ रही है सामने, और खाने काबा जो है वो देखती जो पहली नजर हमारी पड़ी ना, पहले तो मेरे आंखों में से आंसू निकल गए। और सबसे पहले मैंने दुआ जो मांगी ना, सबसे पहली दुआ कुछ नहीं दुनियावी दुआ कुछ भी नहीं, ये दुआ मांगी कि अल्लाह ताला अगर मैं कहीं कुछ गलत कर रही हूँ ना मुझे हिदायत दे दे, या मेरे हस्बैंड हम दोनों अगर एज अ मियाँ बीबी कुछ भी गलत करें ना दुनिया में, ऐसा कुछ करें जिससे हमें कोई गुनाह होगा, अल्लाह मियाँ हमें हिदायत दे दे, क्योंकि हम इतने गुनाहगार हैं। हम जिंदगी में 1000 किस्म के हर रोज गुनाह करते हैं जिसका हमें रियलाइजेशन तक नहीं होता, और इस्तग़फ़ार भी पढ़ते हैं मगर शायद दिल से नहीं पढ़ते होंगे। मगर कितनी चीज़ ऐसी है कि अगर हम गुनाह से बच सकें तो हमें जो है वो ज़्यादा फ़ायदा होगा कंपेयर टू डैट, कि अगर हम गुनाह करें और फिर इस्तग़फ़ार करें। तो अल्लाह से बस यही दुआ करती थी, अल्लाह मियाँ कुछ भी गलत कर रहे हो जिंदगी में हिदायत दे दे हमें और हमारा दिल बदल दे। हाँ, जुनैद जमशेद की नाते ना, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल बदल दे, दे मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। बिल्कुल। तो एनीवे बात ये कि हमने बस 18 दिन का हमारा जो है ना वो था ट्रिप, उम्रे का वो ट्रिप सब नहीं कुछ था, मुझे किया, लगता है वो क्लिंजिंग, क्लिंजिंग एक वो था, एक ब्लीच डाल के अल्लाह ने जो है ना हाँ बोला कि ऐसा होता बेटा है, तुम्हें बताता हूँ। इंसान को अल्लाह मियाँ पाक कर देता है किसी भी जो है वो शर से बचाने के लिए। अगर आप दुआ मांगो अल्लाह ताला दुआएं भी कबूल करता है, आपके बच्चों के लिए भी दुआ मांगो सबके लिए, मगर सबसे इम्पोर्टेंट दुआ मैं समझती हूँ वो ये खाने काबा को देखने के बाद कि आप अल्लाह से इस्तग़फ़ार दो, अल्लाह माफ़ कर दे हमारे गुनाहों को, और जो एग्जैक्टली आगे हम कोई गुनाह करने वाले ना अल्लाह हमें बचा ले उससे। हाँ, ये सही सबसे बात बड़ी दुआ मुझे लगता है कि एज अ मुस्लिम हम लोग अपने लिए बेहतरी के लिए कर सकते हैं। है। हाँ सही बात है। तो हम लोग बस उसके बाद मगर जो है वो अब कहते हैं ना टाइम लगता है चीजों को आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पे आने के लिए। तो बस हमने जब हम लोग पाकिस्तान पहुंचे उमरा करने के बाद तो बड़े जोश में थे कि हम लोग, हाँ यार हमने सोच लिया था, मैंने सुना कि हमने टोरंटो ही जाना है, मगर पता नहीं क्या चीजें बदली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हमने सोचा कि यार एक ना एक टाइम बाद तो हमें अपना घर खरीदना ही होगा, तो हम लोग एक काम करते हैं यहाँ से अभी कैलगरी चले चलते, और कैलगरी में अभी ये दिस इज द राइट टाइम, और उसके बाद अगर ये चीज है हमारे हाथ से 1-2 साल में निकल गई तो ये होगा कि हम 1 साल में वहां पे रह भी लेंगे, और हम लोग वहां पे जो है ना वो रहते रहते मार्केट को जो है ना रिसर्च कर लेंगे, वहां पे हम अपना दिल भी लगा लेंगे, चीजें समझ जाएंगे, जॉब कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, बहुत सारी अच्छा चीजें कर लेंगे। मजे की बात मैं ये सोचती हूँ कि हम लोग जब उम्रे पे थे 18 दिन के, तो एक दिन भी हमें दुनियावी चीज का ख्याल नहीं नहीं, आता था, पीछे क्या चल रहा है, कनाडा में कहाँ महंगाई चल रही है, ऑस्ट्रेलिया में पीआर में क्या चल रहा है, इमिग्रेशन में क्या पाकिस्तान चल में रहा क्या है, चल रहा है। पाकिस्तान में जो है वो रिश्तेदार क्या करेंगे, हमें कोई हाँ ख्याल नहीं आता था इसका। और फिर जैसे ही आप उम्रा करके वापस अपने मुल्क वापस लैंड होते हो ना, फॉरन तो एकदम दुनिया टुन की वो जो टेंशन होती है ना वो आपके हाँ दिमाग में आनी पैसा शुरू हो जाती है पैसा ये और आपको वो, तंग करने लगती है। दुनिया की जो एक हाँ ख्वाहिश है ना और जो इसमें लज्जत है वो आपको तंग करती है, वो आपको उम्रे के टाइम पे नहीं। हाँ एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कोई भी उम्रा करे ना तो वो एटलीस्ट 1 से 1.5 हफ्ता उम्रे में गुजारे, हाँ थोड़े पैसे वो खर्च होंगे एक दो दिन का आपको, नहीं करें आप। पैसे खर्च होंगे आपको जो भी करें, आप वीडियो बनानी हो नहीं बनानी हो, हमने भी हाँ वीडियो व्लॉगिंग की बट नहीं बहुत हम बिल्कुल लिमिटेड की, लिमिटेड की वो। बहुत लिमिटेड की, मतलब ओवरऑल हमने 18 दिन के अंदर सिर्फ 2 या 3 दफा कैमरा उठा के और जो है ना चीजें की होंगी, बट वो 15-15 20-20 मिनट की वीडियो ऑलरेडी बन जाती थी जाते आते में की, तो वो जाहिर है वो 4-5-6-8 वीडियो आई भी होंगी, मगर हमने उसमें बहुत ज्यादा ध्यान अपना, और वो भी हमने उसकी एडिटिंग तब की जब हम लोग पाकिस्तान वापस आ गए, हमने वहां पे कोई एडिटिंग नहीं की, कुछ नहीं की, जब हम वापस पाकिस्तान आ गए फिर वो सना ने आहिस्ता 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 जो भी हमने वीडियोस बनाई हुई थी अपनी मेमोरीज के लिए, नॉट अबाउट के दुनिया को दिखाने के लिए, हमने अपनी मेमोरीज के लिए जो भी बनाई थी वीडियो तब हमने एडिट करके डाली। और दूसरी बात इसलिए भी क्योंकि जब आप एटलीस्ट 1 हफ्ते सऊदी अरब में रुकेंगे तो आपको ना ज्यादा वहां की गहराई आपके दिल में बसेगी, अल्लाह हाँ ताला की जो एक मोहब्बत है वो बसेगी, आप ज्यादा बेहतर तरीके से ना मक्का और मदीना दोनों की मोहब्बत को ग्रास्प कर सकेंगे अपने अंदर। एग्जैक्टली और लिटरली जब मैं वापस पाकिस्तान आई तो मेरे दिल में मदीना इतना बस गया था कि मैं जब भी नाच सुनती थी ना मेरे आंखों में से आंसू नहीं रुकते थे। तो मोहब्बत का ये लेवल आपका तभी आ सकता है आई गेस जब आप एटलीस्ट 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ता जो है ना वो उस जगह पे गुजारो, अल्लाह के घर में गुजारो। लिटरली रिकमेंडेड है, आप एक बिल्कुल दफा ट्राई करके देख लेना जरूर जिंदगी में, अगर तुम लोगों ने नहीं किया उमरा और तुम लोग पूरी दुनिया में घूम रहे हो तो यार प्लीज एज अ मुस्लिम ना, एक दफा ये गिव इट अ गो करके देख लो, मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको ये पैसे जाया नहीं होंगे। उसके बाद हम दुनिया में वापस आए और फिर दुनिया में वही वापस कहानियां आया और शुरू, बस फिर वही दुनिया में आके जो घर है ना खरीदो जलाल घर खरीदो करने घर खरीदो लगते हैं। वही वाली चीजें शुरू की भाई अब तो घर खरीदना है। अच्छा इस तमाम प्रोसेस में लेट मी टेल यू कि हम लोगों को ये बात पता थी अच्छे से कि ये ये गुनाह हराम है, है, ये गुना है। मॉर्गेज पे घर लेना इट हैज इंटरेस्ट, इट हैज रिबा जिसको हम कहते हैं, रिबा इज अ कम्प्लीट हराम थिंग फॉर मुस्लिम्स टू टेक, एंड ये एग्जैक्टली हमें और अच्छे से पता थी ये बात। इसमें मतलब हम ये नहीं कहते, ये इसमें हाँ कुरान में कितनी दफा जिक्र है इस चीज का। 12 दफा कुरान में मेंशन है इस पूरे जिक्र, मतलब एक तरह का जिक्र हाँ है इस बात का, और 8 दफा रिबा वर्ड अल्लाह ने बोला है कि दैट इज अ सूद दैट इज हराम। तो ये बात है, और दूसरी बात ये कि हम लोग जो है वो बड़े बड़े जो है वो मुस्तनद जो उलमा होते हैं जो हमारे दीन को जो है वो सही तरीके से हमें बता रहे होते हैं, डॉक्टर इसरार हो गए, डॉक्टर जाकिर नायक हो गए, तारिक जमील हो गए, बहुत सारे लोग शायद इससे अग्री करें या डिसएग्री करें, बट जो बड़े
बड़े बड़े उलमा हैं उन्होंने सबने यही बता दिया था कि जो इंटरेस्ट लेना है, मॉर्गेज का इंटरेस्ट हो या कोई भी इस चीजों का इंटरेस्ट हो, वो कम्प्लीटली हराम है। इवन दो कि आप अपना फर्स्ट घर भी बना रहे हो तो वो भी एक तरीके से जो है वो कम्प्लीटली बिल्कुल हराम है। हम लोग ये सोचते थे, मैं और सुना कि यार दिल में तो आता था हमारे कि यार ये चीज गलत है, बट हम लोग ये सोचते थे कि अगर हाँ हम लोग अपना बेसिक नेसेसिटी है हमारा तो घर मत लेना, तो अगर हम लोग अपना पहला घर ले लेंगे जिसमें हम खुद रहेंगे, मतलब ना उसको किराए पे चढ़ाएंगे, ना उसको एयरबीएनबी चढ़ाएंगे, ना उसका धंधा बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई बिजनेस नहीं करेंगे, सिर्फ अपने लिए, बेसिक अपनी जरूरत के लिए, हाँ, तो आई थिंक उसमें शायद अल्लाह हमें माफ कर दे, बिल्कुल, मगर वो ऐसा इस केस में कुछ भी नहीं। आगे क्या होता है तो हम आपको आगे ही अभी वीडियो में बताएंगे। अभी फिलहाल हम बैक टू जो है वो इस पे आते हैं। इसके बावजूद कि हमें पता था कि यार ये इतना बड़ा गुनाह है, सम मेजर सिन, इसके बावजूद हम कैलगरी आए और इस प्लान से आए। अगर जो है वो आप लोग हमारी पिछली वीडियो शुरू की जाकर देखेंगे, जब हम यहाँ मूव हुए थे तो हमने दो ही मकसद बताए थे, उनमें से जो एक मकसद था बहुत मेजर, बहुत प्राइमरी, वो यही था कि हम लोगों को यहाँ घर खरीदना था, बिकॉज बाय दैट टाइम हम ऑन्टेरियो में तो अफोर्ड कर नहीं सकते थे। तो हमने कहा वही घर आधी कीमत पे 5-6 लाख में जो है वो एक अच्छे फैमिली होम्स कैलगरी में मिलते हैं, तो हम इतना तो कर्जा आई गेस के ले सकते हैं, मतलब हमारी इतनी तो इनकम होगी एटलीस्ट अगले 1-1.5 साल में कि हम एक इतना $5 लाख का भी कोई घर, या इवन अगर वो भी नहीं तो एटलीस्ट 3.5-4 लाख का कोई अपार्टमेंट हम अपने नाम पे मॉर्गेज लेके और खरीद सके अपने बच्चों के लिए। एग्जैक्टली, तो बस हम इसी नीयत से आए थे और मैं जो है वो वाकई में आज इस चीज को रिग्रेट करता हूँ, क्योंकि और इसके अलावा चेंज कैसे आप रिग्रेट क्यों करते हैं? व्हाई, हाउ डिड यू रियलाइज और हाउ डिड वी रियलाइज ये एक बहुत बड़ा जो है ना, क्योंकि पिछले कुछ महीने मेरी और अक्षय की जिंदगी के ना बहुत ही एक टर्निंग पॉइंट की तरह रहे हैं, बहुत स्ट्रेसफुल भी रहे, क्योंकि ऊपर नीचे बहुत हुई हैं, मतलब आपस में लड़ाइयां झगड़े बहुत सारी चीजों को लेके, मतलब यहाँ के कैलगरी को लेके डिबेट्स बहुत हुए, अनबन भी हुई है, और बहुत मैं मतलब क्लियरली हम लोग बता रहे, कोई झूठ नहीं है इसमें, इसमें कोई शर्म की बात नहीं, क्योंकि जब दो मियां बीवी बात करते हैं और ये हम दोनों की लाइफ है और हम दोनों के बच्चों की जो है वो इस पे डिपेंड करता है फ्यूचर, कि हम आज के क्या डिसीजंस लेते हैं, तो हम दोनों में जो डिबेट्स होती थी हेल्दी डिबेट्स आई गेस, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू डिस्कस, एंड बहुत सारे लोग मतलब ये नोटिस कर रहे होंगे कि इसके बीच में हम लोगों ने व्लॉग्स थोड़े अभी कम कर दिए थे पिछले दिनों, बिकॉज वी वर डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ दोज थिंग्स, और उसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ भी काफी जो है वो मुतासर हुई थी बहुत सारी चीजों को लेके, मतलब डिप्रेशन था, एक तरह की एंजाइटी थी और बहुत सारी चीजें थी, मतलब हम लोग यहाँ पे आने के बाद थॉट प्रोसेस के अंदर थे कैलगरी में आने के बाद, टोरंटो में एक बहुत डिफरेंट चीज थी, वहां पे बरकत थी हमारी बहुत सारी चीजों में, और यहाँ पे वो चीज अनफॉर्चुनेटली जो हमारी नीयत थी इस शहर में आने की, वो कम्प्लीटली मैं उसको रिग्रेट करता हूँ कि वो सही नहीं थी। अच्छा, वो कैसे सही नहीं थी ये हम आपको बताते हैं, रियलाइजेशन टर्निंग पॉइंट क्या हुआ। तो अब तक आप लोग को पता चल गया होगा कि राइट नाउ वी आर नॉट प्लानिंग टू बाय अ हाउस ऑन मॉर्गेज, राइट, सो दैट इज अपडेट, ठीक है, काइंड ऑफ जो हम लोगों ने, मैंने और शायद हम दोनों ने जो है वो एक तरह की डिस्कशन करके ये बात अपने दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, और जो कुरान है, जो सुन्नत है, जो हदीस है, उन तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए अपनी जो है ना लाइफ को कम्प्लीटली कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से बेहतर इंसान और बेहतर मुसलमान बन पाए। तो जैसे ही हम लोगों का सीन ऐसा हुआ कि हम लोग कैलगरी आए, यहाँ पे आके हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम पहले शहर को जाचेंगे, देखेंगे, और अगर 1-1.5 साल हम लोगों को यहाँ पे अपना अच्छा लगता है तो वी विल बाय अ हाउस। वेरी क्लियर, इस वजह से कैलगरी को देखेंगे, कैलगरी का तो हमें पता था कि यहीं पे लेना है, बट हमने सोचा था कि इलाका देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में लेना है, नॉर्थ वेस्ट में लेना है, अलग अलग यहाँ में रहना है, तो मतलब किस इलाके में हम लोग आगे अपना फ्यूचर देखते हैं, कहाँ पे अच्छे स्कूल होंगे, कहाँ पे जॉब करीब होगी, चीजें होंगी, तो हम उस इलाके में टारगेट करके वहाँ पे प्रॉपर्टी लेंगे, बिल्कुल, और अपने आप को इस काबिल भी बना सके कि कुछ और भी इनकम मजीद हम अगर प्रोड्यूस करें ताकि इजीली हम उसको अफोर्ड करने के, यानी मॉर्गेज को अफोर्ड करने के काबिल हो जाए। एग्जैक्टली, सही लजीट तरीके से, क्योंकि यहाँ पे कनाडा के अंदर अगर मैं बात करूँ, इस वक्त तो बहुत दो नंबरियां भी चलती हैं, आप अगर दो नंबर ब्रोकर एजेंट, मॉर्गेज एजेंट होते हैं उनके पास जाओगे तो आपकी जाली इनकम, मैं नहीं कह रहा, या आप जाके जीरो इनकम पे भी वो आपको आपका जो घर है वो दो नंबर सैलरी स्लिप के साथ, सारी दो नंबर चीजों के साथ वो क्लियरली अप्रूव करवा देंगे। आज भी ऐसा होता है, अगर मेरी बात अगर आपको झूठ लग रही है तो आप यूट्यूब पर जाके सर्च करना कि हाउ डिड यू गेट होम विदाउट इनकम, तो आपको बहुत सारे ऐसे स्कैम्स मिल जाएंगे कनाडा में, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत कॉमन है ये चीज। तो हम लोगों को ऑब्वियसली वो रास्ता तो नहीं लेना था, कुछ ना कुछ अपने आपको काबिल बंदा बनाए तभी पे ऑफ करने के काबिल होता है। एनीवे, हुआ क्या कि जब हम यहाँ पे आए, हमने शहर को देखा, और इस टाइम में ऑब्वियसली अच्छा हुआ कि हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा टाइम दिया ये देखने के लिए कि शहर कैसा है, बिकॉज इन दैट टाइम हम लोगों ने फिर ये किया कि एक तो हर नमाज में, नमाज की बहुत पाबंदी हमारी शुरू हो गई थी उम्रे के बाद, एंड वही बात ने अल्लाह ताला से दुआ मांगो कि यार हिदायत दे अल्लाह, तो अल्लाह ताला हिदायत आपको देता है, मतलब इसमें इतना ज्यादा फैक्ट है, मैं आपको अगर आप यकीन करें
कि अगर आप अल्लाह ताला से मांगेंगे ना ये दुआ तो अल्लाह ताला आपको देगा हिदायत, मगर सच्चे दिल से मांगनी जरूरी है। और जब हमने सच्चे दिल से ये दुआ, मैंने तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा मांगी, तो जब नमाज में हमने पाबंदी करनी शुरू की, अशर ने भी माशाल्लाह से बहुत ज्यादा, मतलब छोड़ने का जो है वो सवाल ही नहीं पैदा होता था, कज़ा तो करना ही नहीं होती थी नमाज, तो उसके बाद हमेशा दुआ मांगे अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, हम अगर कुछ गलत करें तो अल्लाह हमें माफ कर दे, हमें जो है हिदायत दे। तो उसके बाद कुछ ऐसा सीन हुआ कि फिर हम रमजान नहीं, उससे पहले हम जब ऑस्ट्रेलिया में गए तो हमारे कुछ हमारे दोस्त भी ऐसे मिले, दोस्त ऐसे मिले कि मतलब बातचीत हुई उनको, 7-8 साल हो गए थे, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, काफी टाइम हो गया, हमारे सामने आए थे वो लोग जब हम लोग उस वक्त टेम्पररी रेजिडेंट थे, तो बातचीत हुई और फिर ये इसी मतलब सिलसिले में बातचीत हुई कि यार तुम लोगों ने अब तक क्या घर का क्या प्लान है क्या नहीं है। हम लोग एक वही इसी सारे थॉट प्रोसेस में थे, हम लोग कैलगरी आ चुके थे, जनवरी फरवरी की बात है ये, तो जनवरी की, हाँ इसी साल 2024 की जनवरी की बात है, तो हमने ये पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं यार अभी हमारा ये प्लान नहीं है, 2019-20 में हमारा ये प्लान था, मॉर्गेज अप्रूव भी करवा ली थी, सब कुछ था, मगर बेगम ने बोला कि यार अभी मतलब दिल नहीं मानता ये सब कुछ करने के ऊपर, क्योंकि ये एक हराम तरीका है घर खरीदने का। एग्जैक्टली, तो जब हम जैसे आसपास के हमारे लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की कोई बात आपके दिमाग में डालें, तो कहीं ना कहीं इंसान यू नो एकदम आपको रिमाइंडर होता बजती है, घंटी बजती है, रिमाइंडर होता है कि यार ओ माय गॉड, मतलब हाँ ये तो एक ऐसा गुनाह है जो नो डाउट है मेजर सिन और हम भी वो करने जा रहे हैं। तो ये सब चीजें इंसान के दिमाग में एक आती हैं, और मुझे लगता है कि ऐसे दोस्त होने बहुत जरूरी होते हैं आपकी लाइफ में, कि जो आपको सही बात सही कहते हैं ना, आपके कहते हैं ना कि आपकी जो अल्लाह भी कुरान में कहता है कि अपने दोस्त सही होने चाहिए, तो आपकी गैदरिंग जो है ना बड़ी मैटर करती है, क्योंकि जो है ना अगर मैं अपनी जैसे कराची स्टाइल में बात करूं तो जो पहला अपना जो सिगरेट बंदा पीना शुरू करता है वो अपनी गैदरिंग से ही पीता है, कोई माँ या कोई बाप जो होता है वो उसके मुंह में जो है ना सिगरेट नहीं लगाता, तो कोई भी बुरी हरकत होती है अच्छी हरकत होती है वो अपनी गैदरिंग से ही जो है ना बंदा स्टार्ट करता है, तो कोशिश करो अपनी गैदरिंग को सही करो। सोहबत का बहुत बड़ा असर होता है इंसान की जो पूरी नेचर डेवलप होती है, तो यस हमारी जो है वो ऐसी सोहबत थी अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया में, कि पिक एंड चूज वाली हमारी थी कि किस तरह के लोगों को हमें रखना है, और जब हम इस ट्रिप पे गए थे तो उन्हीं में से ये एक लोग थे जिन्होंने हमें इस तरह की बात बोली, एंड अगेन इट वाज अ रिमाइंडर कि यार हाँ हम लोग कहीं ना कहीं ये गुनाह तो कर रहे हैं, एंड साथ साथ चूंकि हम अल्लाह से हिदायत मांगते रहते थे तो और मजीद जो है कुछ ऐसा होता रहा कि वक्त के साथ साथ लाइक ग्रेजुअली जब हम वापस आए तो कैलगरी वापस आए ऑस्ट्रेलिया से, तो हमारे दिमाग में ना ये बहुत भारीपन था कि हम आया कि ये सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो हम इस शहर में आ गए और हम मॉर्गेज लेके घर लेना चाहते हैं यहाँ पे, और 25 साल अगले 30 साल का कमिटमेंट इस शहर के साथ इसलिए करना चाहते हैं कि हमें मॉर्गेज पे तो घर मिल ही जाएगा ना, तो दिस वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट, मतलब ये हमारे लिए एक सोचने का मकाम हमारे लिए इसलिए था क्योंकि हम लोग फरवरी के अंदर वापस आए थे कैलगरी, मुझे याद है, और मार्च के अंदर ही रमजान थे, और बस वो चल रहा था हमारे में जंग एक चल रही थी, एक शैतान से जो भी कह लो आप उसको एक जंग चल रही थी, कभी हमें चीजें अच्छी लगती थी कभी चीजें बुरी लगती थी, समझ एक वो होता था कि यार नहीं अब जब कैलगरी आए हैं, सना भी बार बार बोलती थी, मेरा भी दिमाग घंटी बजाता था कि यार अब जब कैलगरी आए हैं तो कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके बाद हम अगर वापस शायद तो हमारा कैलगरी में दिल नहीं लगता था, सच्ची बात यह, और उसका रीजन है वो यही शायद रीजन होगा, तो और भी बहुत सारे रीजन है वो हम लोग आगे भी डिस्कस करते रहेंगे अपनी वीडियोज में, और पहले भी कर चुके हैं तो आप वो लिंक आ रहा होगा तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हो, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो एनीवे बात यह है कि वो चीजें चल रही थी और फिर रमजान आ गया, बिल्कुल अब ये अभी जो रमजान होके गुजरा है माशाल्लाह मार्च में रमजान आ गया, तो इसमें हमारी मतलब मेरी और अशर की ना ये डिस्कशंस और भी ज्यादा गहरी हो गई। अच्छा इस तरह के डिस्कशंस ना मैं समझती हूँ हस्बैंड और वाइफ के बीच में जरूर होने चाहिए, दोनों का डिसीजन होता है, पैसा भले एक बंदा खर्च करता है उसका बेयर जो है वो हस्बैंड ज्यादातर करता है जो भी खर्चा करता होता है, लेकिन वाइफ का भी उतना ही हक होता है कि वो उसमें जो है वो पार्ट ले डिस्कशन में फैमिली, और ज्यादातर केस में मैंने देखा है कि वाइफ होती है जो बोलती है हस्बैंड को कि नहीं ये सूद है इसको मत लेना, क्योंकि लड़की जो है ना वो सही कह रही है, क्योंकि लड़की जो है ना ज्यादातर मैम ये अपनी भी बात करूंगा क्योंकि लड़के क्या करते हैं क्योंकि वो फैमिली को ज्यादातर लड़के रन कर रहे होते हैं, मोस्टली केसेस में ये होता है, तो वो वेल्थी फ्यूचरिस्टिक होते हैं और वो वेल्थी मतलब वेल्थ के बारे में सोचते हैं कि अगर हम लोग चले गए या कुछ हो गया तो हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा, ये क्या होगा वो क्या होगा, हमें मतलब आगे दुनिया में अपने आप को कैसे जो है ना वो बेहतर वो करना है, तरक्की कैसे करनी है क्या होगा, तो हमारी तरक्की स्टेबल कैसे रहना है आगे, तो आगे जो है वो क्या क्या चीजें होंगी, और हम उसकी एक घर की इक्विटी से हम दूसरा बना लेंगे, तीसरा बना लेंगे, चौथा बना लेंगे, जो कि कनाडा में
बहुत आम है. बिल्कुल एग्जैक्टली, मतलब 3 से 4 घर होना तो एक ऐसी चीज हो गई है, बल्कि अगर किसी का एक ना हो तो लोग बुरा भला बोले, तो 3 से 4 होना तो मतलब ऐसा हो गया. आप तो यूट्यूब उठा के देखो तो लोगों ने ऐसी मतलब चुटकी में 3 से 4 यूट्यूबर्स के जितने भी हैं अगर आप देखो तो 2-3 घर तो मतलब हर किसी के. एग्जैक्टली, वो लिखते हैं कि वी बॉट अ हाउस बट वो एक्चुअली उन्होंने बाय नहीं किया था, वो बैंक ने बाय किया हुआ होता है एंड देन बैंक उनको लोन दे देता है, लोन पे मतलब एक तरह से घर लैंड कर देता है और फिर वो इंटरेस्ट दे के साथ साथ बैंक को 20 साल में 15 साल में आप वो घर की किस्तें करते हैं, वो पे ऑफ करते हैं. जब आप कंप्लीटली कैश के ऊपर कोई चीज खरीदते हैं तो आप लिख सकते हैं कि आई बॉट अ हाउस या आई बॉट अ कार. एग्जैक्टली, फाइनली व्हेन यू आर, जैसे कि हम लोगों ने अपनी गाड़ी, ओनर होते हैं आप अपने घर के, हमारे पास अब जो गाड़ी है वो कैश की है. वी बॉट अ कार तो बिल्कुल सही है क्योंकि हमने $5,500 की गाड़ी अपने कैश पे अल्हम्दुलिल्लाह ली थी लास्ट ईयर. तो ये अब वी बॉट अ हाउस, वी बॉट अ कार, दैट्स परफेक्टली फाइन. बट वी बॉट अ हाउस हमें ये चीज समझ में नहीं आती थी, बट स्टिल चलो ठीक है, यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है, लोग उसमें कीवर्ड्स डाल के लिख देते चलो कि ताकि ज्यादा सर्च आ जाए, तो इसलिए जो है वो क्लिकेबल कंटेंट होता है. एनीवे, जब ये रमजान आए ना तो इस रमजान हम, मैंने और अशर ने कुछ ऐसा तहैया कर लिया कि यार हम लोगों को ना हर रोज दो काम करने हैं. एक पहला काम क्या था कि तरावी पढ़नी है, एवरी सिंगल डे. हाँ, और दूसरा ये था कि कोई एक नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए. और तीसरा जो मेरा अपना अहद था और जो अशर ने भी मुझे इसमें ज्वाइन किया वो ये था कि हर रोज कुरान पाक की ना एक या दो पेज जो भी करूं मगर एवरी सिंगल डे उर्दू ट्रांसलेशन मुझे जरूर पढ़नी है. मतलब देखना है कि पहले क्या लिखा थी ना, तो उसके बाद फिर उसका उर्दू तर्जुमा पढ़ती थी. क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसा हो रहा था कि हम ना कुरान की तिलावत करते थे और पूरे के 30 के 30 माशाल्लाह से पारे हम पूरे कर लिया मतलब एक रमजान में मैंने लिटरली 2-3 कुरान भी खत्म. ज्यादा सवाब लेने के लिए हमें लगता है ठीक है. अब वो तो हमारे मिशन कई दफा माशाल्लाह कम्प्लीट हुए लेकिन इस साल फिर हमने सोचा कि यानी कुछ ना कुछ नया करना चाहिए एंड नाउ वी शुड स्टार्ट रीडिंग कुरान विद उर्दू ट्रांसलेशन. और वो भी समझ के मतलब गौर फिक्र करके, ऐसे नहीं कि बस पढ़ लिया, गौर फिक्र करके डिस्कस करके कि यार ओके जो हमने भी पढ़ा है उसमें हम लोग अपनी रियल लाइफ में उसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो अल्लाह ताला की बरकत होती है और अल्लाह ताला ने जो है वो हमारी जब ये तरावियां शुरू हुई तो रुकने का दिल ही नहीं चाहा, साथ साथ गाइडेंस आती रही और इसी रमजान में वो चेंजेस हमारे अंदर आने शुरू हुए और हमने इसी रमजान में हमने लगे पुख्ता हो गया. और हमने काफी उलमाए दीन जैसे मैंने आपको बताया उनके बयान भी देखे, यूट्यूब पे जो है वो खंगाल के रख दी. यूट्यूब आपको पता है खजाना है, सर्च करो आप जिस भी बारे में टॉपिक में आपको बहुत चीज पता चल जाएगी. और कम्प्लीटली उन्होंने बता दिया था कि दिस इज कम्प्लीटली हराम. अच्छा, सिर्फ उलमाए दीन नहीं बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए जो हिदायत का जरिया है वो है कुरान पाक. तो कुरान पाक ने तो साफ बोल दिया है कि अगर तुम सूद खाओगे या सूद के अंदर कुछ भी स्टार मतलब अगर आप इवन मतलब एक बैंक में भी काम कर रहे हो और आपका जो लेन देन है वो सूदी मामलात में ज्यादा है या फिर आप किसी ऐसी कंपनी के साथ काम करते हो जो सूदी मामलात में लेन देन करती है तो यस यू आर डूइंग अ मेजर सिन, आप डायरेक्ट अल्लाह से जंग कर रहे हो एंड इट्स लाइक बहुत ही निचला दर्जा, बहुत ही बुरा होता है. लेकिन हाँ, यू आर अ जहन्नमी बिकॉज यू आर डूइंग अ मेजर सिन इन योर लाइफ इफ यू आर डीलिंग विद इंटरेस्ट, सूद, रिबा, व्हाटएवर यू कॉल इट. एग्जैक्टली, तो अगर आप सूद ले रहे हो या दे रहे हो दोनों ही सूरतों के अंदर वो कम्प्लीटली हराम है जैसे ये बताया सना ने. और उसका बहुत ही जो खतरनाक दर्जा है वो अल्लाह ने ये भी बताया एक जो है वो जगह पे कि आप ऐसा है कि वो आप अपनी बोलने वाली बात नहीं है मगर आप अपनी माँ के साथ जना कर रहे हैं. अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, तो अल्लाह मियां हमें ऐसे गुनाहों से बचाए. तो ये निचला दर्जा है बहुत ही. ये सब चीजें हम नहीं कह रहे हैं, ये आप कुरान में आप जाके इसके जो है वो चीजें देख सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल रेफरेंसेस, बिल्कुल एग्जैक्टली. और उसकी रीजन है अशर, उसका रीजन हम लोगों ने इवन ये भी सोचा है. देखिए मतलब ऐसा क्यों है, इस्लाम में जब इंसान सीखना शुरू करता है ना और कन्वर्ट होना शुरू होता है, आप ऑलरेडी मुस्लिम पैदा हुए हो लेकिन आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो कि नहीं ये एक बहुत डिफरेंट चीज होती है. ठीक है, मुस्लिम पैदा होना काफी नहीं होता कि आपका नाम मुसलमान है. मुसलमान नाम तो बहुत सारे हैं दुनिया में, हजारों आपको मिसालें मिल जाएंगी मगर वो एक्चुअली मुसलमान होते नहीं है क्योंकि वो उस तरह उनका ईमान का लेवल नहीं होता जिस तरह हमारे कुरान ने और हदीस ने गाइड किया है लाइफ का. तो बाकी अल्लाह ताला माफ करने वाला है सबको, जजमेंटल ऑब्वियसली हम नहीं हो सकते इस मामले में. तो जब आप जो ईमान होने ईमान आपका जब आना शुरू होता है तो आप आहिस्ता आहिस्ता फिर रियलाइज करते हो कहाँ आप गलत जा रहे हो. और हम लोग इस मामले में गलत जा रहे थे ये हम समझ गए जब हमने कुरान पढ़ना शुरू किया. तो अगेन यही रियलाइजेशन हुआ कि यार नहीं, अगेन हम गलत कर रहे हैं, जो हम इस तरह सोच रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात है. हाँ, बिल्कुल गलत तरीका ही घर खरीदने का, अनलेस कि आपके पास कैश होने चाहिए या फिर जो भी सिस्टम होता है. आई थिंक वो अब मुझे उसमें पता नहीं है कंफर्म कि इस्लामिक बैंकिंग का यहाँ पे कनाडा के अंदर क्या सिस्टम है, इस्लामी हलाल शरिया जो लॉ कहता है वो क्या कहता है. क्योंकि हमने पाकिस्तान में भी डिगिंग करनी शुरू की, बेसिकली मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ तो पाकिस्तान में
इस चीज़ की बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो मैंने कभी इस चीज़ के प्रोसेस में रहा नहीं। मेरा पाकिस्तान में जो घर था वो मेरे अम्मा अब्बा का था और कैश के ऊपर था। मेरे अब्बा ने 1990s के अंदर जो है ना वो एक प्लॉट खरीदा था, मुझे याद है 1,75,000 रुपए का, अभी भी मुझे याद है। और वो उन्होंने घर खरीदा था कैश के पैसों से, और कैश के पैसे उन्होंने दो तरीके से जमा किए थे, मुझे आज भी याद है बिल्कुल। एक तरीका था उन्होंने अपनी जो है ना पक्की बात सैलरी है, से, याद है, पक्की बात बिल्कुल है, सब मुझे कुछ याद है, याद मुझे यार, मैं बचपन की मेरी मेमोरी बड़ी शार्प है। मुझे ऐसा सारी मेमोरी है। तो वो उस वक्त उन्होंने क्या गुलिस्तान जौहर में मेरे अब्बू ने प्लॉट खरीदा था, अम्मी अब्बू ने दोनों ने मिलके, तो उन्होंने जो है वो रात दिन जो है ना टैक्सी भी चलाया करते थे। उस टाइम पे येलो कैब स्कीम आई थी नवाज शरीफ की, तो उस टाइम की बात है। और वो जो है ना एक्स्ट्रा में अपनी जॉब तो करते थे मगर साथ में टैक्सी भी चलाते थे, जैसे अभी उबर चलती है एक्स्ट्रा मनी के लिए। और दूसरा तरीका था उन्होंने कमेटियां डालते थे, तो कमेटी जो बीसी में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो कमेटियां उस जमाने से मेरे अम्मा अब्बा डाला करते थे। तो वो उसमें क्या होता है वो कम्प्लीटली जो है ना वो इंटरेस्ट फ्री होती है, जीरो जो है ना इंटरेस्ट होता है उसके यानी ऊपर। कि जो आपने लिया हाँ, वही आपने वापस वही कर आपने लिया है ना, वापस कर दिया, एग्जैक्ट एग्जैक्टली वही अमाउंट, नो जैसे अदर कि प्रॉफिट नो टाइप। अदर कोई प्रॉफिट होता है, सही कुछ भी नहीं होता, 1 रुपए के ऊपर नीचे नहीं होता। सही जैसे कि अगर आप, मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, हम लोग 10 महीने की कमेटी डालते थे पाकिस्तान में, थे अगर 10,000 रुपए की कमेटी होती थी पर मंथ, तो वो 1,00,000 रुपए की यानी कि आपको दस मिलती हजार थी। आपने अगर अगर 10-1 लाख लिए तो 1 लाख वापस भी एक आपने लाख कर लिए दिए, एक एंड लाख दैट्स लिए इट, देर इज कम्प्लीटली नो अदर नो अदर अमाउंट्स अमाउंट, इंक्लूडेड, इवन नॉट अ सर्विस चार्ज, नॉट कुछ अ भी सर्विस चार्ज, नथिंग। जीरो हाँ, जीरो रुपए सर्विस चार्ज यानी कि होता है, जो बंदा लैंड कर रहा है आपको, जो बंदा पैसे दे रहा है ना, उसको कुछ भी नहीं मिल फायदा नहीं, रहा, कोई फायदा नहीं हो रहा, बट दैट बंदा जो आपको दे रहा है वो वेल्दी है, राइट? सो यही एक वेल्दी नहीं फर्क है, है। नहीं जो बंदा दे रहा है वो वेल्दी नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा सिस्टम किस तरह वर्क करता है नहीं, मुझे सिस्टम। पता है, बट लाइक जो लैंड कर रहा है आपसे ज्यादा वेल्दी वो है, एंड यही इस्लाम मना करता है, एक इंसान जो है वो ज्यादा वेल्दी से वेल्दी ना हो और कोई बंदा गरीब से गरीब ना हो जाए। बट इंटरेस्ट का जो सिस्टम है ना, वो अनफॉर्चुनेटली आपको अमीर से अमीर तक और गरीब से गरीब तक बनाता है, क्योंकि आप और अपनी ये एक औकात की लाइन बाहर है। निकल जाते हैं कि आपके पास बिल्कुल 5 लाख डॉलर तो अगले 10 साल में भी नहीं होंगे, तो आप जो है ना अपनी औकात से बाहर जाके एक ऐसी चीज सूद के ऊपर ले लें जिससे आप अपने आप को जो है ना तकब्बर और गुरूर का जो है ना निशान बना लें, और आप वेल्थ से वेल्थ, एक घर, मेरे पास 2 घर है, अच्छा तुम्हारे पास तो एक फ्लैट भी नहीं है, इस तरह का जो है ना वो होता है। और फिर नहीं, जो ये मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना इसका, वो ये है कि इस्लाम नहीं चाहता कि आपको जो बंदा अमीर बंदा यानी कि आपको पैसे दे रहा है, तो वो आपको दे दे के पैसे मजीद जो है वो प्रॉफिट उसमें कमाता रहे, कमाते इंटरेस्ट रहे अमीर प्रॉफिट से है ना अमीर उसके बंदा। लिए जा रहा है, अमीर से अमीर तक होता रहे और आप उसको दे दे के गरीब से गरीब तरह। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ, जब से इंटरेस्ट बढ़ा है हर कोई परेशान है। तो एनी वे, आप कमेटी की बात कर रहे थे, बैक टू द तो टॉपिक, है कमेटी की ना? यही बात होती है, जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर किसी भी तरह का कोई सूद नहीं होता, कोई चार्जेस नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। वो यही तरीका होता है कि आपने जो है वो जितने की भी 1,000 की होती है और मंथली वो डिवाइड हो जाती है। तो जो कमेटी, अब जब आप लोग सोचेंगे कि जो डाल रहा है जिसके यहाँ उसका क्या इंटरेस्ट होता है, तो उसकी ज्यादातर ये होता है कि उसको पहली कमेटी जो है ना वो मिल जाती है, हाँ ये भी होता है, लोग तो अपने बस लिए ही। हाँ, अपने उसके लिए होता है कि उसको जो है ना ये फायदा हो जाता है कि उसका कोई भी छोटा मोटा कोई काम होता है तो उसको पहली मिल जाती है, और फिर दूसरी तीसरी के बाद फिर वो दूसरे लोगों को देना शुरू कर बिल्कुल देता है। तो ये एक एग्जैक्टली वो है। फर्स्ट उनको तो उनका वो काम पहले हो जाता है, और उसके बाद फिर बाकी जितने भी उसके मेंबर्स होते हैं कमेटी के, जैसे 10 मेंबर्स है तो उनको ओवर द 10 मंथ्स पैसे मिल गए, मगर जो बंदा ऑलरेडी लैंड करे उसको पहले मिल जाता है। बट इट्स अ कम्प्लीटली इक्वल प्रोसेस, थोड़े टाइम बाद बाकी को मिलेगा, बट जो लैंडर है उसको कोई, हाँ इट्स अ कम्प्लीटली हलाल। कमेटी के थ्रू हमें घर खरीदना पॉसिबल है वैसे? नहीं, मुश्किल है। तो मैं अगर बात ये कर रहा था कमेटी की कि मेरे अबू ने किस तरह जो है वो मतलब प्लॉट खरीदा, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्लॉट खरीद लिया। अब जब 90s में, उसके बाद प्लॉट खरीदने के बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हम लोग जो है वो एक जो है वो समझ लो कमरा बना लिया, उसके बाद फिर दूसरा कमरा बना लिया, फिर तीसरा कमरा बना लिया, इस तरह होते होते मतलब एक पूरा एक घर शक्ल में आ गया। फिर एक घर शक्ल में आगे, फिर उनके पास जब इतने और जो है वो थोड़े बहुत पैसे हुए वो करते रहे, कमेटियां डाली, ये किया वो किया, फिर उन्होंने दूसरी मंजिल पे भी घर बना लिया। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह से हमने मिल मिला के अम्मा बने हमारे कुछ करके जमा चकड़िया करके जमा हो गई, इतने पैसे जमा हो गए कि हमने फिर उस पर दूसरा मतलब दूसरी मंजिल में बना लिया, फिर तीसरी मंजिल में बना लिया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया आप लोगों ने? तो बस उस घर का उसके बाद पाचा हो गया पिया पाचा हो गया, क्योंकि हमें ऑस्ट्रेलिया के लिए निकलना था। बहुत सारी चीजें तो बहुत सारी चीजें थी, हमें ये था और भाइयों को निकलना था, मुझे निकलना था, बहन को निकलना था, हम तीनों को निकलना था, तो उस घर का पिया पाचा करके। बट डेट वॉज ऑन कैश टू स्टार्ट, सब कुछ कैश पे था, दैट्स रियली गुड, क्योंकि छोटे से स्टार्ट किया, प्लॉट छोटे से स्टार्ट किया, बहुत कम टाइम पे स्टार्ट किया, प्लॉट से स्टार्ट किया, घर बनाया, एक मंजिल बनाई, 2 मंजिल बनाई, फिर उस घर की मतलब उस तरह बनाया, उसके बाद फिर ये किया कम्प्लीटली वो किया। मगर पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो है वो, मैं थोड़ा सा डिगिंग कर रहा था, आप मुझे अगर मैं गलत हूं तो बताना, कि पाकिस्तान में जो इस्लामिक फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट होता है, मीजान बैंक वगैरह भी करते हैं और दूसरे ये जो HBFC करता है हमारा, तो वो लोग ये कहते हैं कि हम इसको कायबौर कहते हैं। तो कायबौर जो चीज होती है, क्या वो इस्लाम में हलाल है या हराम है, मुझे इसका पता नहीं है, मैं स्टूडेंट हूं अभी भी इस चीजों में। तो अगर तुम लोग इन चीजों से जूझ रहे हो, पाकिस्तान में रहते हो, या फिर पाकिस्तान में अम्मा अब्बा ने ऐसा कुछ किया है, तो मुझे जरूर बताना। अब मेरी
नॉलेज के लिए भी और जो हमें दिखते हैं उनकी नॉलेज के लिए भी. तो वो ये कहते हैं कि काइबोर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ही कहता है कि वो एक फिक्स रेट होता है, मतलब हाँ. वो उसको इंटरेस्ट नहीं कहते, वो इसको चार्जेस कहते हैं. एग्जैक्टली जो लैंडिंग चार्जेस होते हैं, लैंडिंग चार्जेस होते हैं वो उसको कहते थे कि हमने ऊपर से रिसर्च की जितना हमने 10 लाख का लिया है तो 10 लाख के ऊपर 3.5% ही इसके जो है ना चार्जेस हैं. एवरी ईयर आप एवरी मंथ आपको इतने ही पे यही करने हैं, आपका जो है ना कम होंगे और ना बढ़ेंगे. ओके, तो दैट मीन्स कि जब बंदा कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है तो उसको ये बात पता है कि उसको हाँ. इतना ही फिक्स रेट पे करना है. एंड दैट इज व्हाट दे कॉल कि ये एक इस्लामिक शरिया बैंकिंग है, क्योंकि काइबोर का सिस्टम जो ये बताते हाँ. हैं ये वो कहते हैं, मतलब हम नहीं कहते बट बहुत सारे लोग इस पे डायरेक्ट ये करते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग भी इवन मतलब नाक को इधर से ऊपर से पकड़ो नीचे से बात बराबर है. तो वो भी वही है जैसे एक हमारी नॉर्मल बैंकिंग जैसे आरबीसी से ले लो या यहाँ स्कोशिया बैंक से लोन ले लो, जो कन्वेंशन बैंकिंग जिसको कहते हैं, तो वही एक सेम ही चीज है इस्लामिक का वो. बट जितना प्रोसेस हमने सीखा है अब तक इस्लामिक बैंकिंग का, वही कहते हैं कि अगर फिक्स रेट है तो इंटरेस्ट नहीं, मतलब सर्विस चार्जेस. तो दैट इज अ शरिया थिंग एंड वो मॉर्गेज आप ले सकते हो, जैसा हलाल मॉर्गेज, क्योंकि अल्लाह ताला ने देखो कभी भी किसी भी जमाने में कर्जा लेने से मना नहीं किया है. सुबह सल्लम ने भी कितने अपने जो है वो टाइम पे कर्जे लिए थे बिजनेस के ही मामले में, और कम्प्लीटली हलाल. मगर कर्जा आप किस तरह का ले रहे हो ये डिपेंड करता है, कर्जा किस तरह का ले रहे हो कि उसका कर्जे का कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये सारा के ऊपर आपको मिलना है वो. एंड जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे कन्वेंशनल बैंकिंग में यूज होता है वो ज्यादातर मुफ्ती, मतलब हम तो इस चीज में डायरेक्ट एक्सपर्ट नहीं, हम तो एक आम से इंसान है जिनको शायद कुरान के उर्दू ट्रांसलेशन भी हमने कम्प्लीट नहीं किया. लेकिन जो यहाँ के जो हमारे माशाल्लाह से जाने माने मुफ्ती हैं जिन्होंने इसके ऊपर मतलब कुरान और हदीस और उसके बाद सब तमाम चीजों के ऊपर इस्लाम पे इतनी डिगिंग की हुई है, रिसर्च की हुई है, उनको माशाल्लाह इतना ज्यादा इस्लाम के बारे में नॉलेज है, तो वो ये सब बातें जब बताते हैं कि उन्होंने उनको पता है ये चीज हराम है, किस तरह हराम है, कन्वेंशनल बैंकिंग सवा में ये चीजें, तो इसमें मॉर्गेज देना हराम है, इसे डील करना हराम है, और ये मेजर सिन है दुनिया में ऐसा कि आप जितना जल्दी हो सकता है इससे जो है तौबा करें, आप वो गुनाह ना करें. तो उसके बावजूद अगर हम ये चीज करें ये सब जानते हुए भी, तो फिर क्या इस चीज का हमें मतलब इतना वर्थ इट है इतना कुछ मतलब करना कि हम मतलब इतनी अभी से ये चीज करें, ये गुनाह करें, और फिर सोचे कि चलो 25 साल तो हम गुजार देना, उसके बाद हम इस्तग़फ़ार कर लेंगे, या अगर आखिरी हमारी सांसें चल रही होंगी उस टाइम पे अल्लाह से माफी मांग लेंगे, तो आखिरी सांस पे तो वैसी माफी नहीं होती है. पूरी जिंदगी हम गुनाहों में पड़े रहे हैं, हम 2-3 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टियां बना लें, हम ये सब कुछ जानते बूझते हुए जिंदगी में गुनाह पे गुनाह गुनाह पे गुनाह मतलब करते रहे छोटे बड़े हर किस्म के नॉर्म बिल्कुल नॉर्मल बना ले इस चीज को कि यार ठीक है, इट इज व्हाट इट इज, दुनिया में तो हमें ऐसे ही सरवाइव करना है ना, दुनिया में तो ये तरीका है, दुनिया में तो वो तरीका है, और ऐसे लोगों को जो है ना चित्रौल भी बहुत होगी, हमें भी अभी बहुत चित्रौल होगी कि ये है वो है, आप ये गलत कह रहे हैं, आप वो गलत कह रहे हैं, भाई क्रिटिसिज्म होता है एक तरह का, लोग देते हैं, मगर हर किसी को अपनी कब्र में जाना है, मुझे भी जाना है अपनी कब्र में, सना को भी अपनी कब्र में जाना है, और आप लोगों को भी अपनी कब्र में सिर्फ और सिर्फ अपने अमालों को लेकर जाना है. याद रखना आपको ना 1 मिलियन डॉलर लेके जाना है ना 2 मिलियन डॉलर लेके जाना है, सिर्फ और सिर्फ 2 कफन में आप जाएंगे, और औरतें कितने कफन में जाएंगी भाई, औरतें 5 5 कपड़ों में जाएंगे, बस पढ़ा है तो 2 फुट की अंदर जमीन में आप गड़ जाओगे और सिर्फ आपके अमाल होंगे. और उसमें जो है वो इमाम साहब भी हमारे जब दुआ कर रहे थे तो उन्होंने भी रोंगटे खड़े कर दिए कि अल्लाह ताला हमें उस वक्त से बचा जब हम हजारों साल के लिए कब्र में पड़े रहेंगे और अजाब में मुब्तला रहेंगे. बिल्कुल, जो वो हमने अमाल दुनिया में किए थे ना, और जिसके हमने इस्तग़फ़ार नहीं किया, जो हमने गलत हरकतें कर दी और अल्लाह उससे उसकी वजह से हमसे नाराज है, उसका अजाब हमें कब्र में तो मिलेगा ही मिलेगा हजारों साल तक. उसके बाद जब हम डे ऑफ जजमेंट पे अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे और हमारे अमाल का हिसाब किताब होगा, अल्लाह कहेगा कि ठीक है भाई तुमने ये बड़े बड़े गुनाह किए हैं, और कोई हमारी सिफारिश करने के लिए नहीं आएगा वहां पे, तो फिर बस अल्लाह कहेगा जाओ जहन्नुम में. तो वो एक अलग पूरा एक ऐसी चीज है जो हमारी रोंगटे खड़ी करती है हमारी कब्र में. हमारे सांप होंगे आसपास, पूछेंगे भाई कि तुमने ये दुनिया में सूद क्यों लिया था, तुमने जो है वो ये जानते पूछते भी ये गुनाह तुमने किया. और इसलिए बस ये चीजें मतलब मेरे और अशर के बीच में बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही थी, प्लस हम जो ये कुरान की मैं ट्रांसलेशन पढ़ रही थी, तो हर चीज पे गौर और फिक्र करना ना बड़ा जरूरी होता है. तो ये मैंने एक चीज पे गौर किया, अल्लाह ताला ने जो है वो साफ कुरान में फरमा दिया है कि आखिरी सांस पे ना माफी नहीं होगी. तो अगर मतलब आपकी जो कहते हैं टांगे कब्र में लटकी हुई है, आप आखिरी जो है ना बेड पे पड़े हुए, मौत का फरिश्ता नजर आ गया आपको, बेड पे पड़े हुए और मौत का फरिश्ता आ गया, आप कह रहे हैं अल्लाह ताला, उसमें भी अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम वाला है, मगर अल्लाह ने बता दिया हाँ कि मैं मतलब उस तरह माफी तुम्हारी नहीं होगी. पूरी दुनिया तुम 900 खा के बिल्ली जो है ना हज को चली, वो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो सही मिसाल है वो जो बड़े बूढ़े कहते थे हमारे. तो यार हमें कोशिश करनी चाहिए, और हमने जवानी के अंदर ये चीजें
कोशिश कर दी है। अभी भी शायद हम लोग बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी ऐसी चीजें होंगी जो कर रहे होंगे, जो आपने मतलब कोशिश कर रहे हैं हम शैतान से लड़ने की और अपने आप को बेहतर मुसलमान बनाने की। और उसका पहला यही चीज है कि जो है वो जब सना बाल खोल के जो है ना व्लॉग बनाया करती थी तो उसको कोई बंदा नहीं कहता था कि जो है ना आपके बाल में ये है मसला है, क्रिटिसिज्म्स नहीं होते थे मुझे उस टाइम पे, बल्कि उल्टा तारीफ ही आती थी, उल्टा तारीफ ही आती थी मुझे, मुझे बहुत जो है वो उसमें अप्रिसिएशन आती थी, चीज अच्छे कमेंट्स आते थे सोशल मीडिया की हद तक अगर मैं बात करूं। और अब ऐसा है कि अगर मैं हिजाब पहन के वीडियोस बनाती हूं तो मुझे ज्यादा क्रिटिसिज्म आता है, ज्यादा लोग बोलते हैं मुझे कि यार आप ऐसे ऐसे पहनी हुई हो, इसका पहनने का क्या फायदा है, ऐसे कर रही हो उसका क्या फायदा, मतलब गलत तरीके से बोलते हैं, बताने का भी एक तरीका होता है ना, तो वो तरीका ही जो है वो ऐसा होता है कि जो आपको अल्लाह ना करे कि उल्टे पाँव माइल करे, तो वो चीज अवॉइड करनी चाहिए हमें सोशल मीडिया पे अच्छे तरीके से अगर आप समझाएं किसी को। अव्वल तो ये कि क्रिटिसिज्म की जरूरत इसलिए नहीं होती कि एक ग्रेजुअल प्रोसेस जब इंसान अल्लाह ताला की तरफ, जब आप अल्लाह एक आप देखो ना अल्लाह ताला की तरफ, मैं आपको कट कर रहा हूँ, अगर नहीं आते तो कैनेडा में कोई मतलब हमें शरीयत जो है ना वो नहीं कहती, हम कोई पाकिस्तान में रहते या सऊदी अरब में नहीं रहते कि हमें जो है ना सना को ये चीज मैंडेटरी करनी पड़े बाहर बाजार में निकलने के लिए। हम ऑलरेडी एक वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं जहाँ लोग जो है ना वो नॉर्मली अपने मजहब तक को चेंज कर देते हैं, मजहब तक को जो है वो चेंज कर देते हैं, यहाँ पे सिटीजनशिप की खातिर रेफ्यूजी भी आके यहाँ पे पाकिस्तानी बहुत करते हैं कि हमें पाकिस्तान में खतरा है ये है वो है, तो वो कम्प्लीटली भी झूठ बोलते हैं ना, वो भी तो सब हर तरह का झूठ है। पाकिस्तान में ऐसा भी खतरा नहीं है दुनिया में कि जो है ना वो कोई वहां पे जो है ना जंगे चल रही है वो चल रहे हैं। एनीवे हम बैक टू द टॉपिक आते हैं, तो अभी हम इस प्रोसेस के अंदर है, सना भी इस प्रोसेस के अंदर है अपने आप को और बेहतर तरफ लेके जाने के लिए, इस्लाम को और गहराई से समझने के लिए। और जहां तक मैं जैसे बात कर रही थी कि आखिरी सांस में माफी नहीं होगी, तो जब हमारी माफी आखिरी सांस में नहीं होगी तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब अगर हम सूद ले लें आज, ठीक है आज हम लोगों का बैंक से फॉर एग्जाम्पल इस कोशिया बैंक से हमने सूद ले लिया, ठीक है, और हमने कहा चलो यार हमारा अपना घर हो गया, हम छत के नीचे अपनी जबरदस्त, अब हम अगले 25 साल तक इसका पे करते रहेंगे मॉर्गेज, मगर रेंट पे नहीं करना भाई, अब हमारा जो है ना वो इक्विटी बन रही है, ठीक है जबरदस्त। बट नेक्स्ट डे अगर हम लोगों को अचानक से मौत आ गई, हमें मौत का फरिश्ता नजर आया और हम सोच रहे हैं ओ माई गॉड, मतलब वो सिचुएशन अगर आप इमेजिन करो कि आपके सामने मौत का फरिश्ता खड़ा हुआ है और आप बोल रहे हो अल्लाह मियां मुझे माफ कर दे, मैंने उस वक्त कल ही मैंने गुनाह किया है, मुझे माफ कर दे, आपको गुनाह ही गुनाह कर लो कि आप आपको इस्तगफार का तो मौका ही नहीं मिला ना आपका, अगर जो है वो हार्ट बंद हो गया सोते सोते में, तोते में अगर हार्ट बंद हो गया तो कैसे आपको मतलब मौका मिलेगा अल्लाह से इस्तगफार करने का, तो आपको नहीं पता आपकी मौत कैसे आनी है। और अगर ऐसी अचानक की मौत आई तो हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि अल्लाह तो हमें देखा कि हमने मेजर सिन कर दिया, हमने एक बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे दिमाग में, इसने तो हमारे रोंगटे खड़े कर दिए कि अल्लाह मियां ऐसा ना हो जाए हमारे साथ कि हम आपको जवाब ना दे पाए। जब आप हमसे पूछो तुमने अभी कल ही तो कर्जा लिया है, तो ये तुम्हें पता था ये बात अच्छे से कि ये एक सूद है, ये हराम है, तो व्हाई डिड यू टेक इट, और उस वक्त हमारे पास अल्लाह के सामने कोई जवाब नहीं होगा, कौन हमारी सिफारिश करने के लिए आएगा, कौन बोलेगा। तो ये सब हर जगह मैंने तुम्हें बताया, हर तरह से तुम्हें बताया, तुमने कुरान को पढ़ा भी, तुमने उर्दू भी ट्रांसलेशन, तुम्हारी शेल्फ पे कुरान पढ़ा हुआ था, तुमने कुरान नहीं पढ़ा, और जब तुमने पढ़ना शुरू किया तो उसको समझा नहीं, उसके ऊपर गौर नहीं किया, एंड ये सब चीजें थी जो हमारे दिमाग में आहिस्ता आहिस्ता घर करती चली गई कि वट वी आर डूइंग इज नॉट राइट। एंड हम अगर एक सर्वाइवल के लिए घर खरीद भी लें तब भी हम गुनाह तो कर रहे हैं ना यार, मतलब इतना बड़ा गुनाह कर ही रहे हैं हम, क्योंकि हम बाहर वालों की मजबूरी नहीं है कि हम घर खरीदें। और जितने भी लोग दुबई और सऊदी अरब से स्पेशली आते हैं, इवन जो है वो मैंने इस बारे में पॉडकास्ट भी की थी, आप देख लेना जाके, तो उसमें भी एक सऊदी अरब का लड़का था, उसने यही पूछा था कि मैं मतलब मॉर्गेज तो मतलब वो लेना चाहता हूँ, घर खरीदना चाहता हूँ, अभी वो सऊदी अरब में बैठा हुआ, दुबई में बैठा हुआ, यहाँ पे भाई पहले यहाँ दुबई मतलब कनाडा तो आ जाए एक दफा, उसके बाद फिर देखना कि आगे क्या करना है, मगर वहीं पे बैठे बैठे इतना ज्यादा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस होता है यार, हर तरह से इन्फ्लुएंस होता है कि आपके जो है ना दीन को बर्बाद करके रखते हैं। एनी वे तो आना चाहते हैं और वो मतलब पी आर है, ये वो है इस प्रोसेस में, तो मतलब ये इंटरेस्ट के बगैर कैसे ले सकता हूं। मैंने बोला भाई इंटरेस्ट के बगैर तो यहाँ पे लेने का कोई और तरीका ही नहीं है, जो है वो मतलब आप कैश पे या तो ले लो या तो फिर जो हलाल बैंकिंग होती होगी, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है तो कि सही होती है नहीं होती यहाँ पे जो बाहर के मुल्कों में होती है, इवन दो के पाकिस्तान में भी क्या हलाल बैंकिंग होती है मुझे उसका भी लिटरली कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने या मेरे घर वालों ने कभी भी इस तरह की चीजें नहीं ली थी, तो आप लोग मुझे उसकी गाइडेंस के लिए जरूर बता देना। तो एनीवे मैं ये बता रहा हूं काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है, इसलिए मैं समझती हूँ कि इंसान जितना गुनाह से बच सकता है कोशिश करे। तो अगर हम बगैर घर मॉर्गेज पे लिए
एक दुनिया में रह सकते हैं तो क्यों नहीं? यही करें ना right, तो मेरी एजुकेशन के लिए मुझे ये भी मैं मतलब मालूम करना चाहता हूँ कि जो सऊदी अरब या दुबई में लोग खरीदते हैं क्या वो शरिया लॉ है जो भी उनकी प्रॉपर्टी सऊदी में तो नहीं मगर दुबई में तो सऊदी अरब में तो खरीद ही सकते क्योंकि वो तो बाहर वालों को अलाउ ही नहीं करते लेकिन दुबई में खरीद रहे हैं मगर जो यूएई के अंदर खरीद रहे हैं दुबई नहीं सिर्फ अजमान शारजा वगैरह जितने भी तो क्या यूएई में जो लोग खरीद रहे हैं क्या वो शरीयत के हिसाब से ठीक है या नहीं है मैं मतलब अपनी रहनुमाई के लिए पूछ रहा हूँ या जो हमारे व्यूवर्स होते हैं उनकी भी कम्युनिटी हेल्प के लिए कि क्या इस बारे में जो है जो वहाँ के जो बैंक्स हैं क्या वो शरीयत के लिहाज से चलते हैं या फिर वही जो है वो वेस्टर्न वाला कल्चर है बिल्कुल बिल्कुल जरूर बताइएगा तो वो बंदा फिर यही था कि उसका कंफ्यूजन हमने कहा यार बिकॉज हम भी उस थॉट प्रोसेस में थे तो अशर ने उसको यही बोला कि यार देखो जो हराम है वो तो है ही ना एग्जैक्टली जो हराम है वो है तो देख कर करो अगर आपको करना है बाकी आपकी मर्जी है बट एडवाइस अगर हमसे मांगते हो तो यस हम यही बोलेंगे यार कि हराम तो है जो गुनाह है वो गुनाह है एंड अगर आप गुनाह समझ के वो कर रहे हो जानते बूझते तो आई थिंक वो ज्यादा और खतरनाक बात है मेरी नजर में वो ज्यादा ये इट्स लाइक कि अगर आपको पता है ओके मैं नमाज कदा कर रहा हूँ असर की नमाज का टाइम निकल रहा है मगरिब होने वाली है और मुझे पता है कि असर की नमाज का टाइम निकल रहा है फिर भी मैं गाने सुन रही हूँ फिर भी मैं कुछ और कामों में लगी हुई हूँ और वो 5 मिनट का वक्त जो असर की नमाज को मैं 4 फर्ज को दे सकती हूँ वो नहीं दे रही तो मैं गुनाह कर रही हूँ डजंट मैटर कि मतलब कुछ भी मैं कहूँ कि यार मैं बाद में कज़ा पढ़ लूंगी मगर मैंने गुनाह तो कर लिया ना यार मैं बाद में इस्तग़फ़ार पढ़ लूंगी अल्लाह से माफी मांग लूंगी मगर मैंने गुनाह तो कर लिया और अगर उसकी अगली सांस में मैं इंतकाल कर गई और इस्तग़फ़ार में जो करने का मौका नहीं मिला तो क्या होगा मतलब मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी कि क्यों असर की नमाज छोड़ी भाई 5 मिनट ही निकाल सकती थी तो यही है कि मॉर्गेज का भी यही सीन हमने जो है वो इस कॉन्सेप्ट से देखा कि नहीं यार जो भी है गलत तो गलत राइट दिस इज नॉट हलाल तरीका और हमने फिर फाइनली डिसीजन मैंने और सना ने जो है ना बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस के साथ बहुत डिस्कशंस पूरी पूरी रातों की डिस्कशन पूरा पूरे दिन की डिस्कशन और बहुत लेंथी डिस्कशन रमजान के बाद हमने अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी और हमने जो है ना इस चीज का जो है ना पूरा 100% तैयार कर लिया कि हम भी मांगी है माफी भी मांगी है कि अगर हमने आप लोगों में से किसी को भी इन्फ्लुएंस किया क्योंकि हमें बहुत लोग मिलते हैं कैलगरी के अंदर वॉलमार्ट पे नो फ्रिल पे रियल कैनेडियन स्टोर पे चलते फिरते डाउन टाउन में हर जगह कहीं कहीं पे मस्जिदों के बाहर कि यार थैंक यू आपकी वजह से जो है ना हम लोग कैलगरी आए और ये हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो भाई हमें बहुत बहुत अल्लाह ताला से तो माफी मांग रहे हैं मगर कैलगरी आने पे माफी नहीं मगर मतलब कैलगरी आने पे नहीं मगर अगर वो हमें जैसे इन्फ्लुएंस होकर कैलगरी में घर खरीद रहे हैं आराम तरीके से तो उसका जो है वो हम माफी मांगते हैं भाई अल्लाह से भी माफी मांगते हैं उन लोगों से भी माफी मांगते हैं कि हम जिंदगी में हमने ये सीख लिया इसलिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं इस बारे में हम लोग वीडियो में मैंने बहुत सोचा कि पता नहीं बनाऊं नहीं बनाऊं बट मैंने सोचा कि जब हमने वीडियो बनाई थी कि हम कैलगरी आ रहे हैं जिस मकसद से आ रहे हैं हमने वो भी मकसद बताया था तो वो बड़ी उसकी पसीराई लोगों ने की थी तो कोई अब इसको गलत समझे या कुछ भी समझे मगर मैं अल्लाह ताला की नजर में तो एटलीस्ट जो है ना सुरखुरु हो जाऊंगा अल्लाह कहेगा तो मुझसे पूछेगा कि बेटा तुमने जब कैलगरी जा रहे थे तो तुमने ये वीडियो बनाई थी कि कैलगरी में क्यों जा रहे हो घर खरीदोगे नहीं खरीदोगे इज नॉट अबाउट टोरंटो और हम लोग यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पे लिविंग कॉस्ट की वजह से नहीं आए थे बिल्कुल भी लिविंग कॉस्ट का कोई मसला नहीं था हमें क्योंकि हम एक सिडनी के बड़े शहर से हमने मूव किया था टोरंटो में तो सिडनी में भी बहुत महंगाई है घर को लेके ग्रोसरी को लेके अभी भी मैं होकर हमें आदत है इस चीज की जो मतलब ज्यादा रेंट है ज्यादा लिविंग कॉस्ट है रश ज्यादा है मतलब लाइफ स्टाइल चेंज का हमें कोई मसला नहीं था कि हम यहाँ पे पीस लेने के लिए आए हैं ट्रैफिक से बच के आए हैं या फिर हम अपने पैसे बचाने आए हैं ऐसा नहीं है अफोर्डेबल था लेकिन हम उस लिहाज से आए थे कि यार घर खरीदने के लिहाज से अफोर्डेबल था जो कि अब हमारा पूरा सीन प्लान चेंज हो गया है एंड ये थॉट प्रोसेस मतलब हाँ कि ये थॉट प्रोसेस हम लोगों ने विद इन डेज ही ले लिया इट टुक मेनी मंथ्स पिछले 3-4 महीने से हमारे दिमाग में 1 घंटा बज रहा था इस चीज को लेके एक रिंग हो रहा था से नहीं कहूंगा बल्कि मैं पिछले अगस्त से ही कहूंगा जब से हमने उम्रा किया जब से अल्लाह ताला उसके बाद से स्टार्ट हो गई थी वो चीज मतलब दिमाग में कुछ ऑन एंड ऑफ चीजें आती रही बीच में हमें ऐसे लोग मिले जिन्होंने बोला कि यार मैं तो घर खरीदना ही नहीं चाह रहा क्योंकि ये हराम तरीका तो मैं तो रेंट पे ही रहूंगा जिंदगी भर एंड डजंट मैटर कि मतलब कितना भी कुछ रेंट ऊपर नीचे हो क्या फर्क पड़ता है मगर मुझे घर नहीं खरीदना एंड क्योंकि हम सब बाहर जीटीए में ऐसे लोग मिले जिनके 6-6 साल हो गए उनकी जबरदस्त वो बताया करते थे कि हमारे भाई 900 जो है ना क्रेडिट स्कोर है मगर यार अशर मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता पता नहीं ठीक है सबकी अपनी अपनी अल्लाह को हिदायत भी आती है किसी किसी को ये भी है और बैकग्राउंड पे भी होता है किसी के पेरेंट्स किसी के भाई बहन उनको बता देते कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करो और उनके दिमाग में वो बात आती है हमारे आसपास ऐसे लोग नहीं थे हम लोगों ने खुद ही इस चीज को रियलाइजेशन किया आई गेस मेरे भी केस में जैसे मेरे अब्बू हैं तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं जब फ्लैट्स बनाए थे घर बनाए थे अपने पाकिस्तान में तो उन्होंने भी जाहिर है लोन्स लिए थे तो गाइड करने वाले जाहिर है कि हमारे आसपास कम लोग होते हैं हर दफा इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यू नो अपनी जिंदगी में गलत करता है गुनाह करता है लेकिन इस्तग़फ़ार का मौका होता है तो मगर अगर कोई ना करे तो ज्यादा बेहतर है गुनाह और हम उसी गुनाह
से आप बच रहे हैं. गाइडेंस अगर नहीं है तो अगर आप लोग को ये वीडियो गाइडेंस के तौर पे लग रही है तो शेयर जरूर कर लीजिएगा उन तमाम लोगों के साथ जिनकी आप फिक्र करते हैं. और अगर आपको समझ में आया तो आप भी इस बात को दिमाग में जरूर रखिएगा कि इंसान के लिए दुनिया की लज्जतें सब कुछ नहीं है. और जो हम लोगों ने पूरा कॉन्सेप्ट बताया ना मॉर्गेज और हराम के आसपास, ये सिर्फ और सिर्फ प्योरली उस इंसान के लिए जो ईमान वाला है, जो मुसलमान है, और ये इस्लाम की ही बात है. दुनियावी तौर पर अगर देखें तो यू कैन टेक इट, मतलब लूजर है ये तो घर खरीदने की इनकी औकात नहीं है. और जो है ना बड़े बड़े जो है ना बोल बच्चन करने आ जाते हैं तो अल्लाह ताला ने बोल दिया है कि निशानियां सिर्फ अकलमंदों के लिए हैं, अकल वालों के लिए ही निशानियां हैं. बेवकूफ तो भाई लज्जतों में पड़े रहेंगे और लज्जतों के बाद फिर आपका क्या अंजाम होगा, क्या चित्रौल होगी, क्या कोड़े पड़ेंगे, तो ये तो आपको वक्त ही बताएगा. और वो ऐसे होंगे कि वो जिंदगी जो है ना आखिरत की जो जिंदगी होगी वो ना खत्म होने वाली होगी. ये जिंदगी तो 40 साल 50 साल बहुत हुआ तो 60-65 साल अगर जी लिए तो जी लिए, वो भी कोई गारंटी नहीं लेकर आता. बिल्कुल ऐसे ही है. तो इसीलिए बस हम लोगों ने सोचा कि आपके साथ ये चीज शेयर करें. छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो इस पूरे पॉडकास्ट में आई होप कि आप लोगों को कहीं ना कहीं दिल पे लगे होंगे, रिलेटेबल लगे होंगे, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा. और हम लोग जो है वो यही बस इसी मकसद से यही पॉडकास्ट बना रहे थे कि ताकि आप लोगों को अगर हमने कहीं ना कहीं गलत इन्फ्लुएंस किया है पहले, तो फिर आज आप लोगों को सही बात बता के जो है वो सही तरीके से भी इन्फ्लुएंस किया जाए. ये हमारी जिम्मेदारी है एज एन इन्फ्लुएंसर या एज एन इन्फ्लुएंसर. सही कह रही हो कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर हमने कहीं गलत वही चीज कि अगर गलत गाइड करें तो सही भी चीजें सही भी चीजें बता दें और अपनी गलतियां भी जो है वो सामने वालों को बता दें. अल्लाह ताला से भी हम लोग जो है वो माफी मांग लें और जो जिनको गलत इन्फ्लुएंस किया उनसे भी माफी मांग लें. बिल्कुल एग्जैक्टली. सो बस और कुछ अगर हमें आपको कुछ बोलना है तो आई थिंक दैट शुड बी मोर देन इनफ. आप पक गए होंगे, वी डोंट नो कि कितनी लंबी पॉडकास्ट हो गई है, बट ये है कि एक चीज होती है इन डेप्थ सिचुएशन को बयान करने के लिए जो है वो इतना टाइम तो आई गेस लगता ही है. तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारा अली भी उठ गया तो हम सब उसको भी जरा लुक आफ्टर कर लेते हैं. तो यही बस हमारी डिसीजन है. आगे के लिए अल्लाह ताला से हम दुआ मांगते हैं. आप लोग भी हमारे लिए दुआ जरूर कीजिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं. और अल्लाह ताला तमाम लोगों को हिदायत दे, जो जो जहां जहां गलत कर रहे हैं उसको सही हिदायत दे. मेरी तो यही दुआ है सबके लिए. दुनिया इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट वही है कि आपकी जो एंड में जो लाइफ होगी, जो आपकी हमेशा चलने वाली लाइफ है ना, वही है. और उसी में सारा सवाल जवाब होगा, लेकिन दुनिया में तुमने क्या क्या हरकतें की हैं. तो जितनी इन खराब हरकतों से हम बच सकते हैं बचेंगे. और बाकी इस्लामिक बैंकिंग के बारे में आप लोग का क्या ख्याल है ये भी कॉमेंट्स में बताए, क्योंकि इतने सारे लोग उसको भी सही मानते हैं और उसकी बेसिस पे लेते हैं कर्जा. तो वो भी आप लोग कमेंट्स में बताएं. आप लोग को जो भी अपनी राय है, फीडबैक है, रिलेटेबल चीजें, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट्स में हमें. और बस मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में कुछ और नई चीजों के साथ. आप लोग मतलब बताना इसी बारे में और भी अगर कुछ मतलब चीजें हैं तुम्हारे दिमाग में, कोई टॉपिक्स हैं इन्हीं चीजों को लेके आगे चल के, तो फिर हम उसमें भी इंशाल्लाह ताला कुछ डिस्कशन करें. और भी जो बाहर की स्पेशली लाइफ है न्यू कमर से रिलेटेड और बहुत सारी चीजों की जो कैनेडा की चीजें हैं, तो आगे भी डिस्कस करते रहेंगे. तो आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट में. अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा बाय.